वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की इस वीडियो में आपको एमजीटी 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के लेक्चर नंबर 11 से लेकर 22 तक करवाए जाएंगे। इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है जिसके अंदर एमजीटी 211 के लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक करवाए गए थे। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले है लेक्चर नंबर 11। इसमें सबसे पहले है कॉजेज ऑफ फेलियर इन बिजनेसेस। अब बिजनेस जब भी फेल होते हैं तो उनके क्या क्या कॉजेस होते हैं। तो पहला कॉज ये है कि लोग जो है कैपेबल नहीं होते बिजनेस हैंडल करने के लिए, यानी इनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं होती कि वो बिजनेस को हैंडल कर सके। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना कैपेबल नहीं होते कि वो मार्केट को जान सके, यानी मार्केट के बारे में उनको पता चल सके, वो उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं होती। तो लोगों को सीखना चाहिए उन काबिलियत को, उन एबिलिटीज़ को, कि जिससे वो बिज़नेस को रन कर सकें। जो जो भी एबिलिटीज़ रिक्वायर है बिज़नेस रन करने के लिए वो सीखने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जिनके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, तो एनफ एक्सपीरियंस नहीं होता, बहुत से लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो बिज़नेस को चला सकें, तब भी बिज़नेस फेल हो सकता है। तो हमें कुछ चीज़ों की के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है बिज़नेस चलाने के लिए। वो जो है प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जब प्रोडक्शन हो रही होती है उसका जो पूरा प्रोसेस होता है, यानी चीज़ें जो बन रही होती हैं। इसके अलावा कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर कॉस्ट बढ़ जाती है किसी भी प्रोडक्शन की, किसी भी चीज़ की बनने की, तो उससे क्या होगा, नुकसान ही होगा। उसके अलावा वेस्टेज, जब प्रोडक्शन हो रही हो तो उस दौरान वेस्टेज भी कम से कम हो। और कंप्लेन हैंडलिंग, अब जब कस्टमर जो है वो कंप्लेन लेकर आ रहा है कोई कि मुझे ये इशू आ रहा है प्रोडक्ट के अंदर, तो उस कंप्लेन को बकायदा सॉल्व किया जाए। ऐसा ना हो कि उसको एक तरफ डाल दिया जाए कंप्लेन को, कस्टमर से बोल के कि कंप्लेन हल हो जाएगी, लेकिन कुछ अगर हैंडल नहीं होगी तो कस्टमर का ऑर्गेनाइजेशन जो है कस्टमर लूज करती चली जाएगी। और क्वालिटी, आज के दौर में क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है कि अगर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होगी तो प्रोडक्ट फेल हो जाएगी। इसके अलावा इनसफिशिएंट कैपिटल भी होता है। बहुत से बिजनेसेस को रन करने के लिए काफ़ी कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, तो जब किसी ऐसे बिजनेस में जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा रिक्वायर्ड है, अगर वहाँ कैपिटल कम लगाया जाएगा तो भी वो बिज़नेस फेल हो सकता है। इसके अलावा बैड लक भी होता है बहुत से लोगों का, कि वो उनको बिज़नेस जो है वो कामयाब वो नहीं हो पाते। और नेचुरल डिज़ास्टर भी कभी कभी बिज़नेस को फेल कर देता है। किसी भी तरह का नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, अर्थक्वेक भी हो सकता है, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है। और हमारे कंट्री में तो रेन भी एक तरह की नेचुरल डिज़ास्टर बन जाती है। है नहीं रेन नेचुरल डिज़ास्टर, लेकिन बन जाती है घरों के अंदर, शॉप्स के अंदर, और इवन के ऑफिसेज के अंदर भी पानी भर जाता है। तो रेन भी हमारे यहाँ एक तरह का नेचुरल डिज़ास्टर बन जाती है, तो इससे भी जो है वो बिज़नेस की फेलियर जो है वो हो जाती है। नाउ द रीजंस फॉर सक्सेस इन बिज़नेस, अब क्या क्या रीज़न है जिनकी वजह से बिज़नेस जो है वो कामयाब हो सकता है। तो हार्ड वर्किंग बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्किंग तो हर चीज़ के अंदर ज़रूरी है। उसके अलावा डेडिकेशन और कमिटमेंट होनी चाहिए। जो बिज़नेस रन करने वाला है, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, वो डेडिकेट हो करे, वो अपने आप को और कमिट हो बिज़नेस के साथ। उसके अलावा रिस्पॉन्स करे मार्केट को, जो भी मार्केट की रिक्वायरमेंट्स आ रही है वो उनको रिस्पॉन्स करे। और उसके अलावा उसके अंदर कॉम्पिटेंसी हो, एबिलिटी टू वर्क हो, यानी कि उसके पास नॉलेज हो मार्केट की, कि मार्केट में किन किन चीज़ों की डिमांड है, और मार्केट में किस तरह के कॉम्पिटिटर्स मौजूद है, और मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट की क्या गुंजाइश है। इसके अलावा उसके पास प्रोडक्ट की नॉलेज है, जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है या जो वो लेकर आने वाला है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के बारे में उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और उसके अलावा पूरे सिस्टम की भी उसको नॉलेज होनी चाहिए। और इसके अलावा लक एंड एक्ट ऑफ गॉड से भी फ़र्क पड़ता है बिजनेस की सक्सेस के ऊपर, यानी जो लॉ ऑफ गवर्नमेंट है जैसे वो फेवर में है उससे भी फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा लॉ जो हेल्थ से रिलेटेड है उससे भी, और क्लाइमेट चेंज से भी असर पड़ता है बिजनेस की सक्सेस पर, डिजास्टर से भी असर पड़ता है। नाउ दी ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर क्या है? ज्वाइंट वेंचर में होता क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग या ऑर्गेनाइजेशन भी आपस में मिल सकती हैं, यानी ज्वाइंट हैंड्स कर लेती हैं, वो आपस में हाथ मिला लेती हैं, मिल जाती हैं एक दूसरे के साथ, और फिर वो मिल के कोई एक बिजनेस करती हैं। जब वो मिल गई और आपस में बिजनेस, उन्होंने कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, उसको कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। और इसका फायदा क्या होता है कि इसके अंदर एबिलिटीज़ और स्किल्स जो है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। अब दोनों ऑर्गेनाइजेशन के पास डिफरेंट स्किल्स मौजूद है, डिफरेंट एबिलिटीज़ मौजूद हैं। अब जब दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिल गई तो क्या हुआ, उनके स्किल्स और एबिलिटीज़ आपस में ज्वाइंट हो गए, मिल गए। नाउ द स्ट्रेटेजिक अलायंस, अब स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें भी दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कोलैबोरेट करती है म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए।
और इसमें जो डिसीशन इन्वॉल्व होते हैं वो है प्रॉफिट शेयरिंग का, आपस में प्रॉफिट को शेयर किया जाता है और क्लाइंट की हैंडलिंग की जाती है। अभी ये ज़्यादातौर पर स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है एयरलाइन इंडस्ट्री में। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से अगर कैनेडा जाना है किसी पैसेंजर ने, तो वो डायरेक्टली कैनेडा तो नहीं जा सकता, उसको दो जाहिर बात है फ्लाइट्स लेना होंगी। तो पहले एक फ्लाइट लेगा और फिर उसके बाद दूसरी फ्लाइट लेगा, तो वो जो दोनों फ्लाइट्स आपस में जो उनकी कंपनीज हैं जो एयरलाइंस होती हैं उन्होंने आपस में स्ट्रेटेजिक अलायंस किया होता है, तो वहीं पर स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है वो ज़्यादातौर पे यूज़ होता है। अब है मर्जर। अब मर्जर में क्या हुआ, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आपस में मर्ज हो गई, एक तरह से वो जुड़ गई और उन्होंने कोई एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना ली, आपस में जुड़ी और कोई एक नई ऑर्गेनाइजेशन आ गई, एक नए नाम के साथ एक नई ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है दो ऑर्गेनाइजेशन को मिला के, तो उसको कहा जाता है मर्जर। नाउ द एक्विजिशन। अब एक्विजिशन क्या होता है, एक्विजिशन में जो है वो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को एक्वायर कर लेता है, खरीद लेता है या किसी और तरीके से एक्वायर कर लेता है, उसको हम कहते हैं एक्विजिशन। और इसका फायदा ये होता है कि इससे जो बिजनेस एक्वायर करता है दूसरे बिजनेस को, उस बिजनेस का साइज बढ़ जाता है जारी बात है, और इससे कॉम्पिटिशन में भी कमी आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया, तो इससे क्या हुआ, फेसबुक का साइज भी जारी बात है बढ़ना शुरू हो गया और कॉम्पिटिशन भी कमी आ गई। और इसी तरह से गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर किया तो गूगल का भी साइज बढ़ना शुरू हो गया और जो कंपटीशन था उसमें कमी आने शुरू हो गई। अब है लेक्चर नंबर 12। इसमें सबसे पहले इम्पोर्ट्स। अब इम्पोर्ट्स क्या होती हैं ये तो आपको पता ही होगा, इम्पोर्टेड गुड्स आपने यूज़ भी किए होंगे। तो यहाँ जो इम्पोर्ट्स के बारे में बताया गया है इसका मतलब है कि गुड्स प्रोड्यूस समवेयर एल्स, यानी कहीं और बनाए गए गुड्स को, सामान को एंड सोल्ड डोमेस्टिकली, और डोमेस्टिकली उनको बेचा गया, यानी कि किसी और कंट्री में सामान को बनाया गया और अपने मुल्क में जब उसको बेचा जाता है तो उसको हम इम्पोर्ट कहते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें नॉर्मली जो है पाकिस्तान में इम्पोर्ट होती हैं, उनमें केमिकल्स इम्पोर्ट होते हैं और टेक्नोलॉजी होती है, जैसे मशीनरी आती है टेक्नोलॉजी के अंदर, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, और एक्सपर्टीज़ भी हम जो है वो इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए जब इम्पोर्ट किया जा रहा होता है, तो पहली चीज़ तो ये कि आइडेंटिफिकेशन की जाए उन प्रोडक्ट्स की जो इम्पोर्ट किया जाता है, जिनको जिनको बाहर से मंगवाया जाता है। उसके अलावा प्रोसीजर्स आ जाते हैं उसमें, तरीक़ाकार जिसको कहते हैं, और मेथडोलॉजीज हैं, टेक्निकल प्रोसेसेस होते हैं तकनीकी किस्म के, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी कंसिडर करना चाहिए क्योंकि कई सारे डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है इम्पोर्ट करने के लिए। नाउ द एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट जो है वो इम्पोर्ट की उलट है, गुड्स जो है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुए और किसी और कंट्री में उसको बेचा गया, यानी कि अपने मुल्क में बनाया गया सामान को बाहर के मुल्क में अगर बेचा जा रहा है तो उसको हम एक्सपोर्ट्स कहते हैं। इसके फायदे होते हैं कई सारे। फायदा ये है कि गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करती है इसको, हमेशा किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट को सपोर्ट ही करती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि मुल्क का फायदा होता है, एक मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकता है एक्सपोर्ट करके। उसके अलावा इस पर प्रॉफिट ज़्यादा होता है, हमारे मुल्क में जो चीज़ ज़्यादा है अगर हम उसको बाहर बेचेंगे ऐसे मुल्क में जहाँ पे वो चीज़ बहुत कम पाई जाती है या नहीं पाई जाती, तो वहाँ वो चीज़ काफ़ी महंगी बिक सकती है। जैसे पाकिस्तान में आम काफ़ी पाया जाता है, वही आम अगर जापान में बेचा जाए तो काफ़ी महंगा बिक सकता है। इसके अलावा प्राइड भी होता है किसी भी कंट्री के लिए। अब एक मुल्क की चीज़ जब दूसरे मुल्क में बिकती है तो फ़ख्र होता है कि हमारी मुल्क की चीज़ जो है वो दुनिया भर में बिक रही है या इस मुल्क में बिक रही है। उसके अलावा यूटिलाइजेशन होती है प्रोडक्शन कैपेसिटी की, अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं बना के तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि अब हमारे कंट्री के अंदर लेबर भी सस्ता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल गारमेंट्स की प्रोडक्ट भी यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती हैं, तो अब लेबर जब सस्ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा गारमेंट्स की प्रोडक्ट यहाँ पे बनाई जा सकती हैं और उसको बाहर बेचा जा सकता है, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज किया जा रहा होगा। अब है गेट। अब इंटरनेशनल ट्रेड जो इस वाले लेक्चर के अंदर आपकी शामिल है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में पहले गेट हुआ करता था, ये जो है एक जनरल एग्रीमेंट है ट्रेड और टैरिफ के ऊपर, और ये एग्रीमेंट बनाया गया था कंट्रीज के दरमियान ताकि इनकरेज कर सके इंटरनेशनल ट्रेड को, लेकिन ये जो है वो ख़त्म हो गया, इसको रिप्लेस कर दिया WTO ने, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक इंटरनेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी, तो WTO आ गई गेट की जगह, क्योंकि WTO जो है एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका स्कोप भी यही था कि ये रिमूव करती थी जो भी आर्टिफिशियल बैरियर्स हैं उनको रिमूव करना, इसका यही ऑब्जेक्ट है, स्कोप है, ताकि एनकरेज कर सके इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाया जा सके। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया January 1 को 1995 के अंदर। नाउ द पर कैपिटा इनकम। अब ये पर कैपिटा इनकम बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे पता चलता है कि कौन से कंट्री के लोग कितने ज़्यादा अमीर हैं।
आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम को। जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होगी वहाँ पे उतने ज़्यादा अमीर लोग होंगे। तो इसका जो फार्मूला है वो सिंपल है कि टोटल इनकम किसी भी कंट्री की उसको जब डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से तो पर कैपिटा इनकम निकल जाएगी। अब जर्मनी और यूएस जैसे कंट्रीज के अंदर पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, और कुछ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कतर के अंदर सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है, यानी कि सबसे ज़्यादा अमीर लोग वहीं पे पाए जाते हैं। जबकि पाकिस्तान और इंडिया जैसे साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं यहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। तो आप इसको गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं कि किन किन कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम कितनी ज़्यादा है। नाउ द टूल्स फॉर मेजरिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, अब कौन से टूल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं दुनिया भर की इकोनॉमीज को मेजर करने के लिए। तो हम तो वर्ल्ड को जो है वो डिवाइड किया जाता है 3 मेजर कैटेगरीज में पर कैपिटा इनकम के मुताबिक। हायर इनकम कंट्रीज वो होते हैं जहाँ पे लोगों की जो पर कैपिटा इनकम होती है वो तकरीबन होती है 9,000 US डॉलर या उससे भी ज़्यादा, तो वो कहलाए जाते हैं हाई जो है हाई इनकम कंट्रीज, यानी कि बहुत ज़्यादा इनकम वाले कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं। इसके अलावा मिडिल इनकम कंट्रीज होते हैं जहाँ पे लोगों की जो अर्निंग होती है वो 765 डॉलर से लेकर 9,000 डॉलर तक होती है, उनको मिडिल इनकम कंट्रीज कहते हैं। और लो इनकम कंट्रीज वो होते हैं यानी कि जहाँ पर गरीब लोग पाए जाते हैं ज़्यादातर, जिनकी जो अर्निंग होती है जहाँ पे लोगों की वो होती है तकरीबन 765 US डॉलर। और पाकिस्तान की जो पहले एक रिकॉर्ड किया गया था पर कैपिटल इनकम का वो था 765 डॉलर इनकम लाइन, और अब जो है वो जाहिर बात है ये मूव कर रहा है मिडिल इनकम क्लास कंट्रीज की तरफ, यानी इजाफा हो रहा है पाकिस्तान की पर कैपिटल इनकम के अंदर। पाकिस्तान इस एक्सपोर्टिंग के पाकिस्तान एक्सपोर्ट क्या क्या चीज़ें करता है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से बाहर जाती हैं, वो है एक्सपोर्ट आइटम्स। पहले के दौर में तो बहुत होते था एक्सपोर्ट का, लेकिन अब ये कि चाइल्ड लेबर की वजह से एक्सपोर्ट आइटम के अंदर अब कमी आ गई है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट आइटम है वो बाहर काफ़ी पसंद किया जाता है, और फीफा वर्ल्ड कप तक में पाकिस्तान की फुटबॉल जो है वो यूज्ड हुई। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, जैसे राइस वगैरह, एग्रीकल्चर कंट्री तो वैसे ही पाकिस्तान है। और टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करता है, जैसे बेड शीट्स है, टी शर्ट है, टॉवल्स है, इसके अलावा और भी कई सारी प्रोडक्ट्स हैं। नाउ द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैलेंस, अब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस किसको कहा जाता है, तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो भी गैप होगा या तो वो सरप्लस होगा या वो डेफिशिट होगा। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हुई तो उस गैप वो गैप सरप्लस होगा, फायदा होगा, और अगर इम्पोर्ट ज़्यादा हुई तो वो डेफिशिट होगा यानी नुकसान होगा। और ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, हर कंट्री का अलग अलग बैलेंस आ सकता है। नाउ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा आता है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक बार बार दिखाई देगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब यही, जब इंटरनेशनल ट्रेडिंग वगैरह होती है तो उसमें टोटल रिसिप्ट जितना भी होता है किसी भी कंट्री का, टोटल उसको जितना भी रिसिप्ट मिला उसमें से जब टोटल पेमेंट्स को माइनस करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगी। अब ये फेवरेबल भी हो सकती है, फेवरेबल यानी फायदामंद, यानी फायदा हुआ, फायदा कब होगा जब रिसिप्ट ज़्यादा हुई पेमेंट कम हुई, और अनफेवरेबल भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है। अगर पेमेंट ज़्यादा हो गई रिसिप्ट के मुकाबले में तो फिर ये अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगी। नाउ द लेवल्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस, अब क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट में हम जो है वो इम्पोर्टर भी हो सकते हैं, एक्सपोर्टर भी हो सकते हैं, जब कोई इंटरनेशनल बिजनेस करता है तो वो इम्पोर्टर भी हो सकता है, एक्सपोर्टर भी हो सकता है। तो हमें जो है वो अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में कंज्यूम टू कंज्यूम सरप्लस प्रोडक्ट, जो सरप्लस प्रोडक्ट्स हैं यानी एक्स्ट्रा जो है, सो दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। इसके अलावा इंटरनेशनल फर्म्स होती हैं, अब इंटरनेशनल फर्म्स वो होती हैं जिनके वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस होते हैं, दुनिया भर के अंदर उनके ऑपरेशंस होते हैं, और ये फर्म्स जो वो मल्टीनेशनल्स कहलाती हैं, और मल्टीनेशनल जो है वो डिज़ाइन करती हैं प्रोडक्ट सेपरेटली हर कंट्री के लिए, यानी हर कंट्री के हिसाब से डिफरेंट प्रोडक्ट्स इनकी होती हैं। कंट्री की परचेजिंग पावर को भी देखी जाती है, जिस तरह से चाइना वाले जो है वो पाकिस्तानियों के लिए सस्ती प्रोडक्ट बनाते हैं और अमेरिकन के लिए महंगी प्रोडक्ट, तो इसी तरह मल्टीनेशनल भी जो है वो इसी तरह से प्रोडक्ट्स को सेपरेटली डिज़ाइन करती है हर कंट्री के लिए। नाउ दी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, अब ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे एक कंट्री को जो है वो सिंगल मार्केट कंसिडर करते हैं, इनको जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, और इनकी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, एक स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया होता है, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक पूरी दुनिया भर में इनकी प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं।
अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो इंडिपेंडेंट एजेंट होता है, ये वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर के लिए काम कर रहा होता है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट होती है रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड की, जो अब्रॉड में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट होता है, एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफिस होती है, स्ट्रेटेजिक अलाइंस होती है, और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब है लेक्चर नंबर 13 जो कि इस वीडियो का तीसरा लेक्चर है, बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, कौन कौन सी रुकावटें आती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। अब जाहिर बात है कई सारे इसके बैरियर्स हैं, वरना तो हर कोई इंटरनेशनल ट्रेड कर ले। तो सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस हैं, हर सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से अलग है और हर कंट्री का जो कल्चर है वो दूसरे कंट्री से अलग है, और डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट लाइफ स्टाइल हैं। जाहिर बात है जब परचेजिंग पावर में डिफरेंट है तो इसी तरह लाइफ स्टाइल में भी फ़र्क आता है हर कंट्री के अंदर, और रिलीजन से भी असर पड़ता है क्योंकि हर रिलीजन के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो उस रिलीजन के फॉलोअर्स जो है वो फॉलो करते हैं, उन सेट ऑफ रूल्स को वो मानते हैं और उन्हीं पे वो अमल करते हैं। और रिलीजन की वजह से लोग जो है कुछ चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च करना चाहते हैं और कुछ चीज़ों के ऊपर पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं। जैसे मुसलमान जो है जितनी भी हलाल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर खर्च करना चाहेंगे और जितनी भी हराम प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर खर्च नहीं करना चाहेंगे। इसी तरह से हिंदू जो है वो वेज खाना चाहेंगे, वेज के ऊपर स्पेंड करना चाहेंगे और नॉन वेज के ऊपर स्पेंड नहीं करना चाहेंगे। और क्लाइमेट डिफरेंस होता है, कहीं पर गर्मी होती है तो कहीं पर सर्दी होती है। लॉज, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लॉज होते हैं और ये लॉज जो है वो हेल्थ से रिलेटेड भी होते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड भी होते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप से भी रिलेटेड होते हैं, प्राइसिंग के बारे में भी होते हैं और पैकिंग के बारे में भी होते हैं। एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, हर कंट्री के अंदर डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। और इकोनॉमिक डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि पर कैपिटा इनकम डिफरेंट होती है डिफरेंट कंट्रीज़ में। अब जिस कंट्री में ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होती है वहाँ पर ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, और जहाँ पे कम पर कैपिटा इनकम होती है तो वहाँ कम अमीर लोग होते हैं। और डिफरेंट कंट्रीज़ की इकोनॉमिक सिस्टम भी डिफरेंट होते हैं। अब कहीं पे कैपिटलिज्म है, कहीं पे सोशलिज्म है, और कहीं पे जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। और लोगों की प्रेफरेंस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में भी डिफरेंट होती है, कहीं पर लोग आईफोन पसंद करते हैं तो कहीं पे लोग एंड्रॉयड फ़ोन पसंद करते हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट प्रेफरेंस होती है लोगों की एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। और पॉलिटिकल सिस्टम भी जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, कहीं पर कम्युनिज़म है तो कहीं पर किंगडम है तो कहीं पर डेमोक्रेसी है। टैरिफ, टैरिफ जो है, टैरिफ क्या है, टैरिफ एक किस्म का टैक्स ही होता है जो उन गुड्स पे, उन सामान, उस सामान पे लगाया जाता है जो कंट्री के अंदर इंटर हो रहा होता है, यानी जो सामान बाहर से आ रहा होता है, इम्पोर्ट हो रहा होता है, उस पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको टैरिफ कहा जाता है। और इसको इसीलिए लगाया जाता है ताकि इम्पोर्ट में कमी लाई जा सके। जब टैरिफ लग जाएगा किसी भी सामान के ऊपर तो उससे क्या होगा, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और जब प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग कम खरीदेंगे तो इम्पोर्ट में ऑटोमेटिकली कमी आएगी। और इसी तरह कोटा भी लगाया जाता है, कोटा इसलिए लगाया जाता है ताकि उससे प्राइस तो नहीं बढ़ती सामान की, लेकिन एक लिमिट लगा दी जाती है कि इससे ज़्यादा ये प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल जैसे 1 लाख मोबाइल फ़ोन, अब 1 लाख मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं हो सकता है, तो ये कोटा लगा दिया गवर्नमेंट ने कि अब इससे ज़्यादा नहीं इंपोर्ट होंगे। इससे कीमत तो नहीं बढ़ेगी लेकिन जब लिमिट हो जाएगी तो जाहिर बात है उससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं हो सकते। इसके अलावा सब्सिडीज़ भी एक किस्म का बैरियर होता है। अब सब्सिडीज से क्या होता है कि कंट्री जो है वो अपने मुल्क के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो अपने मुल्क की कंपनीज होती हैं, उनको कंसेशन देती है ताकि वो कम कीमत पे प्रोडक्ट को बना सके। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर सब्सिडीज मिलती है यहाँ के प्रोड्यूसर्स को, कंपनीज को, तो उससे क्या होगा, यहाँ की अपनी जो कंपनीज प्रोडक्ट बनाएंगी तो उनकी प्राइस में बहुत कमी आ जाएगी। तो इस तरह क्या होगा, जो इम्पोर्टेड आइटम आ रहा है, जो इम्पोर्टेड गुड्स आ रहे हैं, वो लोग कम खरीदेंगे क्योंकि जब वो देखेंगे बहुत बड़ा फर्क आ रहा है हमारी अपने मुल्क की प्रोडक्ट में और जो इम्पोर्टेड आइटम है उस वजह से। तो उससे भी वो भी एक बैरियर का काम करता है इंटरनेशनल ट्रेड में। सॉरी। अब है बिजनेस एथिक्स। तो एथिक्स क्या होता है, ये बेसिक बिलीव्स होते हैं, बुनियादी अकायद। कंपनी डिसाइड टू परस्यू एंड इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, जो कंपनी जो है वो डिसाइड करती है परस्यू करना और इम्प्लीमेंट करना है एक कोर्स ऑफ एक्शन के दरमियान। और एथिकल बिहेवियर क्या होता है, एथिकल बिहेवियर वो सिस्टम है, एक सिस्टम है ये, एक जो सोसाइटी के बिलीव्स के मुताबिक हो। अगर सोसाइटी के बिलीव से हटके होगा तो वो अनएथिकल बिहेवियर कहलाया जाएगा, इनकी गैर अखलाकी। और बिजनेस भी उसी सिस्टम के अंदर रन करता है। और कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, अब ये कॉर्पोरेट सिटीजनशिप क्या है, ये वो प्रैक्टिस है कंपनी की जो सोसाइटी कंफर्म बाय सोसाइटी, सोसाइटी कंफर्म
कंफर्म करती है जिसको। सो एथिकल बिहेवियर मैनेजेरियल प्रैक्टिस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? उसमें शामिल है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो लोग काम कर रहे हैं। जब एथिकल बिहेवियर होगा यानी अखलाकी बिहेवियर होगा मैनेजेरियल प्रैक्टिसेस में, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एम्प्लॉयज़ की तरफ, जो काम करने वाले लोग हैं उनकी तरफ भी, और रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशनशिप होगा उसके अंदर भी, और गवर्नमेंट के साथ इंट्रैक्शन में भी। एंड प्लान टू इनिशिएट एथिकल बिहेवियर टूवर्ड पीपल, ऐसे प्लान को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, उनका आगाज़ करना, जो कि एथिकल बिहेवियर का होगा लोगों की तरफ, और इनिशिएट करना एथिकल प्रोग्राम, एथिकल प्रोग्राम्स को स्टार्ट करना। नाउ दी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सोसाइटी के फायदे के बारे में सोचना और ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना, उनसे रुकना, बचना जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए, उसी को हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इस दौर के अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है, ना सिर्फ ये कि अपना बिजनेस करे कोई कंपनी, बल्कि साथ में सोसाइटी के बारे में भी सोचे, उसके फायदे के बारे में सोचे, और ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ को छोड़ दें जो सोसाइटी को नुकसान कर रही हो। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? एथिकल एटीट्यूड टूवर्ड्स कस्टमर, कस्टमर के साथ इखलाकी तौर पर रवैया हो, और एम्प्लॉयज़ के साथ जब डील करें, जो लोग काम करने वाले हैं उनके साथ भी इखलाकी तौर पर, और जाहिर बात है रवैया जो है वो अच्छा होना चाहिए, ये नहीं हो कि उनको अपना गुलाम समझ लें। एंड एथिकल कम्युनिकेशन की जाए गवर्नमेंट के साथ और लोकल बॉडीज़ के साथ, झूठ वगैरह से कौन झूठी बातें उन तक नहीं पहुँचाई जाए गवर्नमेंट के साथ या फिर जो भी लोकल बॉडीज़ हैं, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी एथिकल बिहेवियर हो, अखलाकी तौर पे जो है वो जो भी उनके साथ रवैया हो वो अखलाकी तौर पे हो, अखलाकियात के मुताबिक हो। अब है लेक्चर नंबर 14, जो कि इस वीडियो का चौथा लेक्चर है। इसमें सबसे पहले है स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है बिजनेस के अफेयर्स में, किसी एक तरीके से या दूसरी तरीके से। एक होते हैं शेयर होल्डर और एक होते हैं स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर जो होते हैं वो उसमें कई सारे लोग शामिल होते हैं। शेयर होल्डर्स तो ऑनर्स होते हैं, और स्टेक होल्डर्स में जो लोग शामिल होते हैं वो हैं कस्टमर्स। कस्टमर्स भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, कस्टमर्स का भी इंटरेस्ट होता है बिजनेस के अफेयर में। एम्प्लॉयज़ जो लोग काम कर रहे हैं वो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। सप्लायर्स जो माल सप्लाई कर रहे हैं वो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। बैंकर्स जो बैंक हैं, जारी बात है उसका भी इंटरेस्ट होता है बिजनेस के अफेयर्स में। गवर्नमेंट का तो होता ही है, किसी भी गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने टैक्स भी लेना होता है और गवर्नमेंट सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा सोसाइटी एट लार्ज, पूरी की पूरी सोसाइटी भी, उसका भी एक इंटरेस्ट होता है। नाउ दी राइट्स ऑफ कंज्यूमर। अब जो कंज्यूमर के राइट्स हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आया कंज्यूमरिज्म, जिसके मुताबिक कस्टमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। कस्टमर को जो है वही प्रोडक्ट मिलेगी जो उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे ये प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, तो वही प्रोडक्ट उसको मिलेगी। और कस्टमर की सेफ्टी भी होगी, यानी कि प्रोडक्ट ऐसी होगी कि जो कस्टमर के लिए हार्मफुल नहीं हो, नुकसान देना हो, जिसका इस्तेमाल करके कस्टमर को नुकसान ना हो जाए। इसके अलावा कस्टमर का राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन हासिल करे प्रोडक्ट के बारे में, इन्फॉर्मेशन हासिल करे सप्लायर के बारे में, सिस्टम के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में, स्टैंडर्ड्स के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में, जो अज्जा इस्तेमाल हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से प्रोडक्ट्स की लेबलिंग के ऊपर, पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ द कंपनी, कंपनी का पता चले कि कंपनी कहाँ की है, किस कंट्री की है, ये भी कस्टमर का राइट है कि उसको ये पता चले। उसके अलावा मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के कौन से मेथड इसमें इस्तेमाल हुए हैं, इसको बनाने के अंदर कौन सा तरीका यूज़ हुआ है। उसके अलावा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के कौन सा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड है, आईएसओ स्टैंडर्ड है। एंड राइट टू बी हेर्ड, कस्टमर को सुना जाए जब वो कोई बात कहे तो उसको सुना जाए। और राइट टू चूज, अपनी मर्जी से कस्टमर चूज कर सके प्रोडक्ट, ये भी उसका एक राइट है, और उसको क्वालिटी सर्विस मिले, ये तमाम जो है कस्टमर के राइट है। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड एनवायरमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एनवायरमेंट की तरफ, माहौल की तरफ। ऐसा नहीं होता कि अपनी मर्जी से एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस की जा रही है, अपना मुनाफा बनाई जा रही है और वो माहौल को ख़राब कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए रिप्रोसेसिंग की जाए वेस्ट वाटर की, जो वेस्ट वाटर है उसको दोबारा से प्रोसेस किया जाए। इसी तरह से वेस्ट मटेरियल जो है उनको भी दोबारा इस्तेमाल किया जाए, उनकी रिसाइकलिंग की जाए, ऐसा ना उनको फेंक दिया जाए, उनको रिसाइकलिंग की जाए, प्रोसेस किया जाए स्मोक को जो धुआं है, और रिप्रोसेसिंग की जाए हीट की, गर्मी जो है।
और नाउ द एथिक्स फॉर एडवर्टाइजिंग। अब जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसके भी कुछ एथिक्स होते हैं, उसकी भी अखलाकियात होती है। ऐसी नहीं होता कि कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से कोई भी एड चला दे। तो उसमें ट्रथफुल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, सच्ची, यानी कम्युनिकेशन ऐसी हो कि सच हो उसमें, झूठ ना शामिल हो। उसके अलावा ऑब्जेक्शनेबल प्रोडक्ट्स होती हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पर सोसाइटी ऑब्जेक्शन उठाती है कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है, तो उन प्रोडक्ट्स की सेल ना की जाए, उन प्रोडक्ट्स के एड्स ना चलाए जाएँ। ऑब्जेक्शनेबल अपील्स होती हैं, इमोशनली तौर पे लोगों को अपील ना की जाए। इसके अलावा फेयर फैक्टर ना हो, ऐसा ऐड ना दिखाया जाए लोगों को डराया जाए, डरा कर चीज़ें ना बेची जाए। जैसे इंश्योरेंस कंपनी का अगर ऐड बनाए तो वो इस तरीके से ना डराएं कि जैसे आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने इंश्योरेंस नहीं कराएगा तो आपके साथ ये हो जाएगा वो, तो इस किस्म की चीज़ें शामिल नहीं हो एडवर्टाइजमेंट के अंदर। इसके अलावा सेक्चुअल कॉनोटेशंस नहीं हो, एक ऐसी चीज़ें शामिल नहीं हो जो सेक्चुअल अराउजल को प्रोवोक करें। एंड ऑब्जेक्शनेबल टाइमिंग, टाइमिंग जो है वो सही हो, जो भी एड दिखाया जा रहा है उसकी टाइमिंग सही हो, टाइमिंग उसकी ख़राब ना हो। ये ना हो कि एक तरफ डिज़ास्टर आया हुआ है कंट्री के अंदर, नेचुरल डिज़ास्टर आया हुआ है, दूसरी तरफ जो है उस दौरान फैशन के एड चल रहे हो, तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो एथिकल नहीं होती। इसके अलावा स्मोकिंग जैसी चीज़ें प्रमोट नहीं की जाए, स्मोकिंग को जो है एडवर्टाइजिंग के अंदर प्रमोट नहीं किया जाए। एंड सेलिंग प्रोडक्ट टू अंडर एज कस्टमर, प्रोडक्ट जो है वो अंडर एज कस्टमर्स को नहीं बेची जाए, जो बड़ों की प्रोडक्ट है वो बच्चों को नहीं बेची जाए। इस किस्म की चीज़ें भी जो है वो गैर अखलाकी होती हैं। और लीगल कमिटमेंट्स हो, जो कानूनी दायरा है उसके अंदर रहते हुए एड्स चलाए जाएँ। डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए किसी भी किस्म की, कोई ना तो किसी जेंडर की बेस पे, ना किसी रेस की बेस पे, ना किसी रिलीजन की बेस पे। ऐसा ना हो कि किसी जेंडर को सुपीरियर दिखाया जा रहा है और किसी जेंडर की जो है वो उसको दिखाया जा रहा है कि इंफीरियर। इसी तरह से किसी रिलीजन के खिलाफ भी कोई किस्म का ऐड ना बनाया जाए, और इसी तरह किसी रेस के खिलाफ कोई रेशल किस्म की ना हो, कि किसी गोरे को जो अच्छा दिखाया जा रहा है, किसी काले को बुरा दिखाया जा रहा है। इस किस्म की चीज़ें भी जो है वो गैर अखलाकी होती हैं। और हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़, और जो एडवर्टाइजमेंट जहाँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ और सेफ्टी का भी ख्याल रखें। नाउ द विजल ब्लोअर, अब विजल ब्लोअर्स कौन लोग होते हैं? विजल ब्लोअर्स वो लोग होते हैं जो इरेगुलरिटीज अगर देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं कि इरेगुलर है, यानी रूटीन से हट के कोई भी काम हो रहा है, तो वो जो है इंफॉर्मेशन वो फौरन जो है वो मैनेजमेंट की नॉलेज में वो चीज़ लेकर आए थे कि रूटीन से हट के ये काम हो रहा है, उसी को उन्हीं लोगों को हम विजल ब्लोअर्स कहते हैं। नाउ द मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट का मतलब ये कि गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों के जरिए काम लेना। मैनेजमेंट करती ही यही है कि दूसरों के जरिए काम लेती है। और मैनेजर कौन होता है? ये वो शख्स होता है जो वो प्रैक्टिसेस द फंक्शंस टू अचीव मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि वो जो है एक्चुअली फंक्शंस करता है, वो प्रैक्टिस करता है, परफॉर्म करता है फंक्शंस को, ताकि जो है वो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, जो भी मैनेजमेंट के मकासद हैं उनको वो पूरा कर सके। तो मैनेजर का ये काम होता है। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स हैं, अब तो कौन कौन से फंक्शंस जो है मैनेजर परफॉर्म करता है? प्लानिंग का फंक्शन वो परफॉर्म करता है, वो प्लान करता है, वो सोचता है फ्यूचर के बारे में। ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन करता है, वो ऑर्गेनाइज करना है इन चीज़ों को। डिसीशन अबाउट एक्टिविटीज परफॉर्म बाई दी वर्कर, यानी कि जो एक्टिविटीज़ वर्कर्स परफॉर्म करेंगे उनके बारे में डिसीजन लेना। और ग्रुपिंग करना एक्टिविटीज़ को, ग्रुप बना लेना, डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सेम एक्टिविटीज़ हैं उनके ग्रुप बना दिए जाए, हर एक्टिविटी के जो भी सेम एक्टिविटीज़ हैं उनके डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए जाए। उसके अलावा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ करना, डेलीगेट करना, अथॉरिटी देना किसी को भी, जिससे जो काम करवाना है उसके लिए उसको अथॉरिटी भी दी जाए। इसके अलावा स्टाफिंग करना, फिलिंग करना वैकेंट पोजीशंस को, अब कोई जगह खाली है, कोई सीट खाली है तो वहाँ पे एम्प्लॉई को लेकर आया जाए, उसको फिल किया जाए उस पोजीशन को, उस सीट को। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन करना, यानी यूनिफिकेशन करना, एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेशन के अंदर रिसीविंग करना इन्फॉर्मेशन वेरी सोर्सेज से, मुख्तलिफ सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन को हासिल करना, उसके बाद जब वो इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है तो उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर कुछ प्रोसेस करना, उस इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर देना यानी फैला देना उस इन्फॉर्मेशन को, और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट भी करना उस इन्फॉर्मेशन को। ये तमाम जो है वो फंक्शंस होते हैं मैनेजर्स के। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाए, कोई तनाज़ा खड़ा हो जाता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना, ये भी मैनेजर का काम है। नेगोशिएशन करना, पार्टीज से नेगोशिएट करना, अक्सर पार्टीज जो है वो किसी भी
इशू पे मान नहीं रही होती उन पार्टीज को किसी भी तरह मनवाना, ये काम भी मैनेजर का है। रिसोर्स को एलोकेट करना, जहाँ जिस रिसोर्स की ज़रूरत है वहाँ उस रिसोर्स को एलोकेट कर दिया जाए, और कंट्रोलिंग करना, इस बात को श्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गलत सिम्प में नहीं जा रही, तो इस बात को भी मेक श्योर करना, ये भी मैनेजर का फंक्शन है। अब है लेक्चर नंबर 15, जो कि पांचवा लेक्चर है इस वीडियो का। इसमें सबसे पहले है मैनेजेरियल स्किल्स। तो मैनेजेरियल स्किल्स तीन तरह के होते हैं। पहला है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, जो कि टॉप मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये कि एबिलिटीज टू थिंक एट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि प्लानिंग ऐसी एबिलिटी होना, काबिलियत होना कि प्लानिंग की जा सके और ऑर्गेनाइजिंग की जा सके। इसके अलावा दूसरा स्किल्स है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल जो है ये मिडिल लेवल की मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका मतलब होता है एबिलिटी टू डील्स विद अदर, क्योंकि मिडिल मैनेजर्स जो होते हैं वो एक तरफ लोअर लेवल मैनेजर्स को भी डील कर रहे होते हैं और एक तरफ टॉप मैनेजर्स को भी डील कर रहे होते हैं। तो इनको एबिलिटी जरूर, इनको ऐसी एबिलिटी की ही ज़रूरत होती है कि दूसरों को डील कर सकें, जिसको इंटरपर्सनल स्किल्स कहा जाता है। और जो तीसरे लेवल का स्किल है वो है टेक्निकल स्किल्स। अब ये जो टेक्निकल स्किल्स है ये जरूर ज़्यादा तौर पर ज़रूरी होता है लोअर लेवल के मैनेजर्स को। इसका मतलब ये कि नॉलेज होना प्रोसेस की और ऑपरेशंस की, यानी कि ऐसी नॉलेज होना जिससे टेक्निकल किस्म के जो वर्क हैं, यानी हाथ से करने वाले जो वर्क हैं वो किए जा सके। तो यानी जो लोअर लेवल मैनेजर है, अब वो ज़्यादा तौर पे उन लोगों के साथ काम करता है जो मैनेजर्स नहीं होते हैं। तो वो हाथ से भी काम करते हैं, जाहिर बात है मशीन से अगर उनमें कोई प्रोडक्शन करनी है तो वो, तो ऐसे जो लोअर लेवल मैनेजर है उसको खुद भी इस तरह का काम आना चाहिए कि वो हाथ से काम कर सके, मशीन वगैरह वो यूज़ कर सके, या फिर टूल्स वगैरह अगर कोई यूज़ करने पड़ जाए तो उसको हम कहते हैं टेक्निकल स्किल्स। नाउ दी गोल्स। अब गोल्स किनको कहा जाता है, किस चीज़ को गोल कहा जाता है? गोल का मतलब ये है वो डेस्टिनेशन जहाँ पे कंपनी पहुँचना चाहती है। डेस्टिनेशन से मुराद कोई मंजिल, एक ऐसी मंजिल, एक ऐसी जगह जहाँ कंपनी पहुँचना चाहती है। अभी कंपनी वहाँ है नहीं, लेकिन कंपनी चाहती है कि वहाँ पहुँच जाए, तो उसको कहेंगे हम गोल। और इसके बाद है स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी क्या है? सेट ऑफ प्लान्स फॉर लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, यानी कि ये कई सारे प्लान्स का एक सेट है और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के लिए, यानी कि जैसे 5 साल, तो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के लिए जो सेट ऑफ प्लान होगा उसको हम कहेंगे स्ट्रेटेजी। और स्ट्रेटेजीज की तीन लेवल्स हैं। जैसे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी तो सबसे ऊपर होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, ये कवर करती है तमाम ऑपरेशंस को, प्रोसेसेस को और तमाम यूनिट्स को ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि ये कॉर्पोरेट लेवल पे होती है, सबसे ऊपर के लेवल पे होती है। उसके बाद जो दूसरी उससे नीचे होती है वो होती है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अब ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा होता है जिसको एक अलहदा प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तीसरा होता है फंक्शनल या फिर ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजीज। अब ये वो लेवल होता है जहाँ पे तमाम फंक्शंस या ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म्ड होते हैं। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गोल सेटिंग। अब जो गोल सेट करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मकासद होते हैं। गोल से डायरेक्शन पता चलती है, गोल एक डायरेक्शन देता है कि हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो एक डायरेक्शन मिल जाती है। इसके अलावा रिसोर्स एलोकेशन, के आप रिसोर्स को उसी के मुताबिक एलोकेट किया जाएगा। जो एक डायरेक्शन है, जो एक डेस्टिनेशन से तक पहुंचना है, तो रिसोर्स की भी एलोकेशन उसके मुताबिक होगी। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी सेट किया जाएगा, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग कल्चर होता है। और उसके अलावा असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। नाउ द मिशन स्टेटमेंट। अब मिशन स्टेटमेंट क्या है? मिशन स्टेटमेंट जो है पर्पस है सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल का जो मकसद है वो है। और मिशन स्टेटमेंट जो है वो लाइफ टाइम ऑब्जेक्टिव्स को डिस्क्राइब करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, यानी पूरी जिंदगी का जो मकसद है। हर ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइफ टाइम है, जो उसकी पूरी एक जिंदगी है, उसका कुछ ना कुछ मकसद है। तो वो मकसद जो है वो मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है, मिशन स्टेटमेंट बताता है। और ये एक जनरल स्टेटमेंट होता है, ये कोई एक खास स्पेसिफिक नहीं होता किसी चीज़ के बारे में, बल्कि ये एक जनरल किस्म का स्टेटमेंट होता है। और इसको लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को देखते हुए, और उसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ को, और उसके अलावा सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। और जो मिशन स्टेटमेंट है ये लॉन्ग टर्म प्लान होता है, शॉर्ट टर्म नहीं होता बल्कि एक लॉन्ग टर्म होता है। नाउ द टाइप्स ऑफ गोल्स। अब गोल्स किसने तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक मीडियम टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। तो जो शॉर्ट टर्म गोल होता है ये वो प्लान होता है जो 1 साल से कम अरसे के लिए होता है, इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म कहा जाता है। मीडियम टर्म होता है 1 साल से लेकर 3 साल तक के लिए, और लॉन्ग टर्म जो है वो 3 साल से भी ज्यादा के लिए होता है।
और जो लेंथ होती है प्लान की वो डिपेंड करती है एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करती है। रिसर्च ये बताती है कि जो लोग प्लान करते हैं उनका सक्सेस जो है वो ज्यादा होती है लाइफ में उनके मुकाबले में जो प्लान नहीं करते। नाउ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब आपके सामने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक शुरू हो रहा है। ये बहुत काफी बड़ा टॉपिक है और हो सकता है आप इस पे पूरा एक कोर्स भी आगे चल के पढ़ेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या, HRM जिसको हम कहते हैं, HR का वर्ड आपने अक्सर सुना होगा। तो ये वो एरिया है जो डील्स करता है लोगों के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं जिनको हम वर्कर्स बोलते हैं, लेबर्स बोलते हैं, एम्प्लॉयज बोलते हैं, उनके साथ डील करने वाला जो एरिया है या डिपार्टमेंट हम कह लें उसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। और HRM डील करता है एक्टिविटीज ऑफ पीपल, जो लोगों की एक्टिविटीज हैं, यानी इसमें जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे जितनी भी चीज़ें इसमें परफॉर्म होती हैं वो तमाम वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो लोगों के बारे में होती हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, अट्रैक्ट करना लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अट्रैक्ट के बाद उनको मेंटेन करना, अब उनको इस तरीके से ही मेंटेन किया जाता है कि उनको सैलरी दी जाए और जो भी उनके इंसेंटिव वगैरह होते हैं वो किए जाए, रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूटमेंट से मुराद भर्ती करना, उसके अलावा सिलेक्शन करना, अब एम्प्लॉई अगर रिक्रूट हो गया उसको तो उसकी सिलेक्शन भी की जाएगी, जाहरी बात है। HRM डील करता है एक्टिविटीज ऑफ द पीपल, अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी शामिल है, HR डिपार्टमेंट ही ट्रेनिंग करवाता है एम्प्लॉयज़ की, परफॉर्मेंस अप्रेजल की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है वो, कंपनसेशन देना परफॉर्मेंस अच्छी हुई हो, उसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखना एम्प्लॉयज़ की। नाउ द स्कोप ऑफ HRM, HRM के अंदर क्या क्या स्कोप है इसका, तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है सबसे पहले, इसमें आता है टाइप्स ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, किस तरह के लोग जो है वो रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन में। अब हर ऑर्गेनाइजेशन को देखना होता है किस तरह के लोग उसको रिक्वायर्ड है और कब रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कितने लोग रिक्वायर्ड है। इसके बाद है जॉब एनालिसिस, यानी उसका पूरा एक तजिया जॉब का, और जॉब इसके अलावा रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती, और फिर ट्रेनिंग होना, जब एम्प्लॉई रख लिया गया है तो उसकी फिर ट्रेनिंग की जाती है, कंपनसेशन करना उसकी, हेल्थ एंड सेफ्टी का उसके ख्याल रखना एम्प्लॉई की, ये भी HRM का काम है, और लेबर यूनियन, लेबर यूनियन क्या होती है, ये कई सारे एम्प्लॉयज़ की एक यूनियन बनी होती है जो एम्प्लॉई के राइट के लिए काम करती है। नाउ द जॉब एनालिसिस, अब जॉब एनालिसिस में क्या है, कलेक्टिंग करना इन्फॉर्मेशन जो जॉब से रिलेटेड होती है, और इसके दो हिस्से होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन। जो डिस्क्रिप्शन होता है वो डिस्क्राइब करता है एक्टिविटीज पार्टिकुलर जॉब की, यानी कि क्या क्या चीज़ें जो है वो जॉब के अंदर हैं, किसी भी एक जॉब में जो जो चीज़ें परफॉर्म करनी है, जो जो एक्टिविटीज शामिल हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, जॉब का टाइटल इसके अंदर शामिल है, जॉब की लोकेशन शामिल है, वर्क एनवायरमेंट वगैरह शामिल है। अब डिस्क्रिप्शन के बाद जॉब स्पेसिफिकेशन जो दूसरा हिस्सा है जॉब एनालिसिस का, ये डिस्क्राइब करता है कि कौन कौन सी ह्यूमन स्किल्स रिक्वायर्ड है किसी भी एक जॉब को परफॉर्मेंस परफॉर्म करने के लिए। जाहिर बात है हर जॉब के लिए अलग-अलग कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, क्वालिफिकेशन शामिल है कि कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इंटर है, बैचलर है या फिर मास्टर है, तो वो इसमें लिखी होती है। इसके अलावा जेंडर, अब ज़्यादातर जॉब्स तो दोनों जेंडर्स के लिए होती है, मेल फीमेल के लिए, लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक जेंडर के लिए होती हैं। इसके अलावा एज, कितनी किस एज से ताल्लुक रखता हो जो जॉब के लिए जो एम्प्लॉय रिक्वायर्ड है। इसके अलावा एक्सपीरियंस, कुछ जॉब्स के लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। इसके अलावा स्पेशल स्किल्स, कुछ जॉब के लिए कुछ खास एक स्किल्स की भी जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा एटीट्यूड किस तरीके का हो, फॉर्मल होना चाहिए या इनफॉर्मल होना चाहिए, तो ये भी उसी के अंदर शामिल होता है। अब है लेक्चर नंबर 16 जो कि छठा लेक्चर है इस वीडियो का। इसमें सबसे पहले है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, गैप क्या है ह्यूमन रिसोर्स डिमांड के दरमियान और सप्लाई के दरमियान, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट अगर आपने इकोनॉमिक्स का कोर्स पढ़ा है तो उसमें आपने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में यही देखा जाता है कि कितनी ज़्यादा डिमांड की जा रही है वर्कर्स की मार्केट के अंदर और कितनी सप्लाई है, तो जो उसमें गैप है उसको देखा जाता है और उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। एंड व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई इन द मार्केट, और किस कंडीशन के ऊपर ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सप्लाई हो रहा है मार्केट पे, कितनी उनकी जो है वो वेज चल रही है या कितनी उनको सैलरी दी जा रही है, तो कंडीशन भी देखी जाती है और गैप को भी देखा जाता है। इसके अलावा सोर्सेज टू फाइंड पीपल, अब कहाँ से लोगों को ढूंढा जाएगा जॉब पे रखने के लिए, एक तो इंटरनल सोर्सेज है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है और एक सोर्सेज है एक्सटर्नल जो बाहर है।
अब इसमें एक दो चीजें आपको बताई जा रही है, एक स्किल्स इन्वेंटोरी है। स्किल्स इन्वेंटोरी क्या है, ये एक चार्ट है जो शो करता है स्किल्स ऑफ वर्कर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनके पास जो जो भी स्किल्स हैं उनको शो करने वाला ये चार्ट है, जिसको स्किल्स इन्वेंटोरी कहते हैं। जिस तरह से इन्वेंटोरी होती है किसी सामान की, तो इस तरह स्किल्स की भी इन्वेंटोरी होती है जो स्किल्स को शो करती है वर्कर्स जो ऑर्गेनाइजेशन की उनकी। इसी तरह एक रिप्लेसमेंट चार्ट है, ये भी एक चार्ट है, ये शो करता है टर्नओवर कितना है ऑर्गेनाइजेशन में, यानी लोग कितना छोड़ के जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसको शो करने वाला जो चार्ट है वो रिप्लेसमेंट चार्ट कहलाता है। नाउ द टर्नओवर रेट, अब टर्नओवर रेट है क्या, टेंडेंसी टू लीव जॉब्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको जो है हम टर्नओवर रेट कहते हैं, जो लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं। रिटेंशन का क्या है कॉन्सेप्ट है, रिटेंशन के मतलब रिटेन करना लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में, उनको रोकना। अब रोकने के लिए जारी बात है सैलरी वगैरह पे की जाती है, उनको अच्छी सैलरी पे करना और अच्छे उनको बेनिफिट्स वगैरह देना। एक्सपेंशन प्लान्स भी होते हैं, इसके अलावा रिप्लेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस भी होती है। नाउ द रिक्रूटमेंट, अब रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, रिक्रूटमेंट का मतलब ये कि अट्रैक्टिंग करना लोगों को जॉब के लिए, वो प्रोसेस जिसके जरिए लोगों को जॉब के लिए अट्रैक्ट किया जाता है उसको हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही अगर हम रिक्रूट करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, ऑलरेडी ट्रेन लोग मिलेंगे हमें जो पहले से ही ट्रेन हुए होंगे, दोबारा उनको ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर बाहर से रिक्रूटमेंट की जाए तो उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके फ़ायदे हैं कि वैरायटी ऑफ टैलेंट होगी, नया टैलेंट आएगा तो वैरायटी हो जाएगी टैलेंट की। इसी तरह से वैरायटी ऑफ एबिलिटीज़ होगी, नई नई तरह के एबिलिटीज़ आएंगी लोगों में, जो नए लोग आएंगे उनके अंदर नई एबिलिटीज़ मौजूद होंगी, यानी नई काबिलियत होंगी, तो वैरायटी हो जाएगी एबिलिटीज़ की। इसके अलावा क्वालिफिकेशन, अब नए नए लोग जब बाहर से आएंगे तो उनकी जो क्वालिफिकेशन होंगी वो भी नई होंगी, तो वैरायटी हो जाएगी क्वालिफिकेशन के अंदर भी। इसके अलावा इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अब इस दौर में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी जो है वो फॉलो किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे कंट्री में भी। नॉर्मली हमारे कंट्रीज में ऐसा होता नहीं है लेकिन अब इसको फॉलो किया जा रहा है, यानी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह की ना की जाए जब लोगों को हायर किया जाए, ना तो वो जेंडर की बेस पे हो, ना किसी रिलीजन की बेस पे, ना किसी कास्ट की बेस पे, ना किसी भी कौम की बुनियाद पे कि ये मेरी कौम का है तो मैं इसको जॉब पर रख लूँ, तो इस किस्म की कोई भी फर्क ना किया जाए, उसको हम कहते हैं इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नाउ सोर्सेज टू फाइंड पीपल, अब किस तरीके से लोगों को ढूंढना चाहिए, कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो इसके लिए एक इनफॉर्मल सर्च भी की जाती है। ये मेथड तब यूज़ किया जाता है जब कोई रेफरेंस रिक्वायर्ड हो, किसी के रेफरेंस के थ्रू रखा जाए तब। इसके अलावा जॉब पोस्टिंग की जाती है, यानी कि नोटिस लगा दिया जाता है जॉब का बहुत सी जगहों पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, जैसे कैफेटेरिया पे लगा दिया, या फेयर प्राइस शॉप है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वहाँ पे, या फिर स्पोर्ट्स की जो फील्ड है वहाँ पे। उसके अलावा रिसेप्शन डेस्क पे भी लगाया जा सकता है नोटिस, ताकि जो लोग रिसेप्शन तक आ रहे हैं उनको पता चल जाए कि यहाँ पे जो है वो जॉब अवेलेबल है। उसके अलावा नोटिस बोर्ड पे भी लगाया जा सकता है, और यूनियन ऑफिस जो है, जो लेबर यूनियन होती है उसका जो ऑफिस है वहाँ पे भी लगाया जा सकता है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जितने भी तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, वहाँ से भी कैंडिडेट्स को जो है वो ढूंढा जा सकता है जॉब के लिए। और तब ढूंढा जाता है जब फ्रेश ग्रेजुएट्स की ज़रूरत हो, जिनके पास एक्सपीरियंस ना हो तब जाया जाता है वहाँ पे, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ना हो एक पार्टिकुलर जॉब के लिए। और शॉर्ट लिस्टिंग कर ली जाती है इंस्टीट्यूशन की, एक शॉर्ट लिस्ट बनाई जाती है कि इन इन इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे। और उसके अलावा टीचर्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है जब सिलेक्शन की जा रही होती है, क्योंकि टीचर्स को पता होता है कि स्टूडेंट्स किस तरह के हैं। उसके अलावा प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं जब, तो इस ये मेथड तब यूज़ किया जाता है जब सीनियर पोस्ट के लिए लोग रिक्वायर्ड होंगे, जब सीनियर पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड होंगे तो सारी बातें वहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है। और इसके अलावा रिक्रूटमेंट एजेंसीज का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये वो एजेंसीज होती हैं जो एक्सपर्ट होते हैं जहाँ पे लोगों को सिलेक्ट करने के लिए, इनका काम ही ये होता है कि रिक्रूटमेंट करना। तो अब ये एजेंसी तब यूज़ की जाती है जब टाइम स्पेंड सिलेक्शन के लिए बहुत कम हो, बहुत कम दौरान बहुत जल्दी सिलेक्शन करना हो तब यूज़ किया जाता है इनको। और जॉब जो है वो टेक्निकल किस्म की, बहुत ज़्यादा टेक्निकल किस्म की जॉब है तब, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान एक काफ़ी एक फासला है, डिस्टेंट प्लेस है तब, तो तब जो है इन एजेंसीज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट भी दी जाती है, बहुत सारे जो है वो मीडियाज यूज किए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। और मीडिया का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हो, जब ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होगी तभी मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा या इंटरनेट पे जो जॉब्स आ रही होती हैं वो तभी आ रही होती हैं जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा जॉब्स हो, तो तभी वो यूज़ करते हैं एडवर्टाइजमेंट का, जब बहुत ज़्यादा जॉब्स एक ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं तो। अब डिसएडवांटेज भी होता है
मीडिया यूज करने का। आप अगर किसी ने न्यूज़पेपर में या इंटरनेट पे अगर जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट की है तो उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा रिसीव हो जाती हैं। ये भी होता है कि जितनी ज्यादा जितनी जॉब्स हैं उससे कई गुना ज्यादा एप्लीकेशंस रिसीव हो जाती हैं, और कभी कभी बहुत मुश्किल भी हो जाता है उन एप्लीकेशन को हैंडल करना और कॉस्टली भी हो सकता है। जाहिर बात है जब न्यूज़पेपर में ऐड देंगे तो उसकी भी काफ़ी कॉस्ट आ सकती है, और इंटरनेट पे भी अगर एक बड़ी कैंपेन अगर चलाई जाए तो उसकी भी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। नाउ दिस सिलेक्शन, अब सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज होती है HRM प्रोसेस के अंदर। और इसमें होता क्या है कि फिलिंग अप किया जाता है फॉर्म को, जो फॉर्म्स होते हैं, और लोगों का इंटरव्यू किया जाता है, और टास्क को डेवलप किया जाता है, टास्क जो दिए जाते हैं। जाहिर बात है सिलेक्शन से पहले टेस्ट भी किया जाता है लोगों को, तो उसके लिए टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। अब है आपके सामने एप्लीकेशन ब्लैंक। अब ये एप्लीकेशन ब्लैंक क्या है, ये एक फॉर्म होता है जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई ने फिल करना होता है। जिस तरीके से एडमिशन लेते टाइम फॉर्म फिल किया जाता है, इसी तरह से जॉब पे अप्लाई करते वक्त भी फॉर्म फिल किया जाता है। तो वही फॉर्म जो है एप्लीकेशन ब्लैंक है, और ये फॉर्म जो है इसके जरिए होता क्या है कि डेटा जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसके अलावा टेस्ट और इंटरव्यू होते हैं, तो यूज़ ऑफ टेस्ट या इंटरव्यू जो है वो डिपेंड करता है नेचर और जॉब की लेवल पे। तो इंटरव्यू या टेस्ट उसी के मुताबिक होते हैं जो जॉब का लेवल है या नेचर है। और टाइप्स ऑफ टेस्ट, टेस्ट भी कई तरह के होते हैं, कोई एक किस्म का टेस्ट नहीं होता। जैसे अचीवमेंट टेस्ट होता है, अचीवमेंट टेस्ट जो है वो नॉलेज को टेस्ट करता है जो कैंडिडेट ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हासिल किया। किसी ने अगर MBA किया है तो उसकी MBA की नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा कि उसने MBA के अंदर क्या क्या जो है वो जो नॉलेज इसने हासिल की है वो किस हद तक वो रिटेन कर पाया है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लिए जाते हैं जिसमें एटीट्यूड को देखा जाता है और ट्रेड्स को देखा जाता है, कैंडिडेट्स के जो ट्रेड्स हैं, यानी कि अब ये देखा जाता है जो एटीट्यूड रिक्वायर्ड है और जो ट्रेड्स रिक्वायर्ड है क्या वो कैंडिडेट में मौजूद भी है या नहीं है, तो उसके लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा स्किल टेस्ट किया जाता है जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट भी शामिल है, टेस्ट ऑफ ट्रायल लर्निंग और स्किल्स का तो टेस्ट शामिल ही है, और मेडिकल टेस्ट भी लिए जाते हैं। यानी कि अब ये मेडिकल टेस्ट में ये देखा जाता है कि एक रिकॉर्ड रखा जाता है कि फिजिकल कंडीशन कैंडिडेट की ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से पहले कैसी थी, क्योंकि जाहिर बात है जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेगा एम्प्लॉई तो उसके बाद फिर उसकी फिजिकल कंडीशन में चेंजेस आ सकती है, इंप्रूवमेंट भी हो सकती है और जाहिर बात है ख़राब भी हो सकती है उसकी फिजिकल कंडीशन। तो उसी को रिकॉर्ड रखने के लिए उसका जो है वो मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, और इस बात को भी मेक श्योर किया जाता है कि कैंडिडेट के अंदर कोई ऐसा डिजीज तो मौजूद नहीं जो ट्रांसफरेबल हो, यानी एक दूसरे से लगने वाला कोई मर्ज तो नहीं है कैंडिडेट के अंदर। नाउ दिस कंसिडरेशन फॉर टेस्ट डेवलपमेंट। अब जब टेस्ट को डेवलप किया जाता है तो किन किन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, किन किन चीज़ों को देखा जाता है, तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी देखी जाती है। वैलिडिटी के अंदर ये देखा जाता है कि कंटेंट की वैलिडिटी, कि जो कंटेंट है टेस्ट के वो रिलेवेंट है रिक्वायरमेंट्स या नहीं है, जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक कंटेंट है या नहीं, एक तो ये चीज़ देखी जाती है। उसके अलावा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, यानी कि जो सिक्वेंस है क्वेश्चंस का, जो ऑर्डर है कि कौन सा क्वेश्चंस किसके बाद है, वो देखी जाती है। और उसके अलावा फेस वैलिडिटी, जो अपेयरेंस है टेस्ट की, कि टेस्ट जो अपेयर है अपेयरेंस है दिखता है कि टेस्ट किस तरह से। अब है लेक्चर नंबर 17 जो कि इस वीडियो का 7वां लेक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेस्ट। अब जो टेस्ट लिया जाता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें स्पेस का ख्याल किया जाता है कि जो स्पेस हो वो प्रॉपर स्पेस हो, जो सीट्स के दरमियान स्पेस हो वो प्रॉपर हो। इसके अलावा टेम्परेचर भी प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो अगर गर्मी का मौसम है, और सर्दी का मौसम है तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रूम के अंदर। उसके अलावा एनफ क्वान्टिटी हो स्टेशनरी की, जो भी स्टेशनरी जरूर टेस्ट देने की ज़रूरत पड़े तो उसकी क्वान्टिटी भी वहाँ मौजूद होनी चाहिए। और इवेल्यूशन ऑफ टेस्ट, अब जब टेस्ट हो जाता है तो फिर उसकी इवेल्यूशन की जाए, उसकी एग्जामिनेशन की जाए। नाउ द इंटरव्यू, अब इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू को अगर हम जनरली देखें तो इंटरव्यू का मतलब होता है वर्बल इंट्रैक्शन, वो इंट्रैक्शन जो वर्बली हो यानी कि बोल कर हो, जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल हो। और जॉब इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो जॉब इंटरव्यू का मतलब होता है मेथड ऑफ सेलेक्शन, ये जो है एक मेथड ऑफ सेलेक्शन होता है जिसमें इंट्रैक्ट किया जाता है कैंडिडेट के साथ वर्बली, यानी वर्बली तौर पर, यानी बोलकर, यानी वर्ड्स का यूज करते हुए। नाउ द टाइप्स ऑफ जॉब इंटरव्यू, अब जॉब इंटरव्यू भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं, एक तो टेलीफोनिक इंटरव्यूज होते हैं जो टेलीफोन पे होते हैं, इसके अलावा प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज होते हैं जिसमें बेसिक क्वेश्चन और बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जाती है, और ये जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन इंटरव्यूज होते हैं, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के इंटरव्यूज होते हैं। नाउ द टेक्निक्स फॉर फाइनल इंटरव्यूज, अब जो फाइनल इंटरव्यू होगा उसकी
टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। एक तो पैटर्न इंटरव्यू होता है जिसमें प्री डिसाइडेड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि पहले से डिसाइड किया जाता है कि यही क्वेश्चन हमने पूछना है, और उसका जो सिक्वेंस होता है वो प्री डिफाइंड होता है कि ये क्वेश्चन पहले, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, इस तरह से। और नन पैटर्न इंटरव्यू भी होता है जिसमें क्वेश्चन जो है वो कोई पहले से डिसाइड नहीं होते, पहले से लिखे हुए नहीं होते, बल्कि सिचुएशन के मुताबिक पूछे जाते हैं। अब क्या शॉर्टकमिंग है पैटर्न इंटरव्यू की, यानी कि उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या उसमें खामियां हो सकती हैं अगर पैटर्न इंटरव्यू हो, जब अगर पहले से क्वेश्चन लिखे हुए तो इंटरव्यूअर जो है वो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता प्री डिफाइंड क्वेश्चन के अलावा, अगर वो पूछना भी चाहे तो। ये इसकी एक ये खामी है पैटर्न इंटरव्यू की। और अगर नॉन पैटर्न इंटरव्यू होगा तो उसकी भी खामी है, उसके अंदर चांसेस ये होते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि नॉन प्रोफेशनल और इररिलेवेंट किस्म के क्वेश्चन पूछे जाए। जाहिर बात है कोई क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ नहीं है तो नॉन प्रोफेशनल, जो बिल्कुल ही प्रोफेशनल से रिलेटेड नहीं हो वो, और जो बिल्कुल ही इररिलेवेंट किस्म के क्वेश्चन हो जिसका कोई ताल्लुक ही ना हो, तो उस किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अब जो सबसे अच्छा जो सोल्यूशन निकला इन दोनों का वो ये निकला कि मिक्स इंटरव्यू। अब मिक्स इंटरव्यू में क्या होता है कि जिसमें कुछ क्वेश्चंस तो प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से लिखे हुए होते हैं, पहले से डिसाइड कर दिए जाते हैं कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कुछ जो है वो सिचुएशनल होते हैं, यानी कि इंटरव्यू लेने वाला कुछ क्वेश्चन जो है वो पहले से डिफाइंड जो लिखे हुए उसके पास होते हैं, वो कुछ क्वेश्चन वो पूछता है और कुछ वो सिचुएशन को देख के पूछ रहा होता है। नाउ द वेज टू कंडक्ट इंटरव्यू, किस तरीके से इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाता है, लिया जाता है। वन पर्सन इंटरव्यू होता है, लेने वाला एक ही पर्सन हो, या तो ये भी हो सकता है कि एक पर्सन ले रहा हो इंटरव्यू, या फिर पैनल इंटरव्यू भी हो सकता है, पूरा पैनल जो है वो बैठा हुआ होता है सामने कैंडिडेट के और जो है वो इंटरव्यू लिए जा रहा होता है, तो ग्रुप ऑफ पीपल होता है इसमें। अरेंजमेंट फॉर कंडक्टिंग इंटरव्यू, अब किस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए, तो इसके लिए प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, एक जगह जो हो बिल्कुल प्रॉपर हो, और प्रिपरेशन की जाए क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस को तैयार किया जाता है, और साथ में रेज्यूमे भी कैंडिडेट का पहले ही रीड कर लिया जाता है ताकि फिर उसी के मुताबिक भी क्वेश्चन पूछे जा सके कैंडिडेट से। नाउ जी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किस तरह से होती है, वो ट्रेनिंग के थ्रू होती है। जब ट्रेनिंग होगी तो क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स जो एम्प्लॉय जो है वो उसके स्किल्स जो है वो डेवलप होंगे, वो ट्रेनिंग से लर्न करेगा। नाउ द मेथड्स फॉर ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि जब वो काम कर रहे हैं उसी दौरान उसको ट्रेनिंग दी जाए, उसी दौरान वो लर्न करे सीखे, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी दी जाती है जो काम से हटके हो। नाउ द डिफिकल्टीज इन ऑन जॉब ट्रेनिंग, अगर जॉब के दौरान उसको ट्रेनिंग दी जाएगी तो तब भी कुछ मुश्किल आती है, ये कि कुछ जॉब्स ऐसी होती है जहाँ पे जॉब के दौरान ट्रेनिंग देना मुमकिन नहीं है। और ऑफ जॉब ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं, यानी कि जॉब के टाइमिंग से हटके जो ट्रेनिंग दी जाएगी तो उसमें कौन कौन से मेथड यूज किए जा सकते हैं, उसमें लेक्चर्स के थ्रू भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिस तरह से आप यूनिवर्सिटीज के लेक्चर देखते हैं और इस वक्त भी आप लेक्चर एक देख रहे हैं, तो इस तरह भी दी जाती है ट्रेनिंग, और ये चीपर मेथड होता है, सस्ता एक मेथड है, और जाहिर बात है कुछ जॉब्स के लिए एक बहुत अच्छा मेथड भी है, कुछ ऐसे कई सारी ऐसी जॉब है जिनके लिए एक बहुत अच्छा मेथड होता है ये। और इसके अलावा आर्टिफिशियल सिचुएशन भी क्रिएट की जाती है ट्रेनिंग करने के लिए लोगों को, यह भी होता है, और रोल प्ले भी किया जाता है, रोल जो है दिए जाते हैं उनको, और बिजनेस गेम्स भी खिलाए जाते हैं ट्रेनिंग करवाने के लिए, और केस स्टडीज भी दी जाती है, डिफरेंट केसेस को सॉल्व करवाया जाता है। नाउ द परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, इसका मतलब है इवेल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, उसकी एग्जामिनेशन करना कि परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। अब क्यों परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, क्यों देखा जाता है कि परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, ताकि वैलिडेशन हो सके ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम की, कि ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि पे फॉर परफॉर्मेंस, जारी बात है जैसी परफॉर्मेंस होगी उसके मुताबिक पे भी किया जाएगा एम्प्लॉई को, और जारी बात है जब पे किया जाता है तो उसमें कंपनसेशन भी आ जाता है, कंपनसेशन जो है वो मॉनिटरी रिवार्ड भी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी रिवार्ड भी हो सकता है। मॉनिटरी से मुराद इनके पैसे दिए जाएँ, और नॉन मॉनिटरी से मुराद पैसे नहीं दिए जाएँ बल्कि कुछ और दे दिया जाए। अब उसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, प्रमोशन या कोई भी और दूसरी चीज़। नाउ द इंसेंटिव्स, अब इंसेंटिव्स क्या होता है, इंसेंटिव्स का मतलब है कि प्लान फॉर एनकरेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो प्लान जिनके जरिए एम्प्लॉय की एनकरेजमेंट की जाए ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम इंसेंटिव कहते हैं। टाइप्स ऑफ इंसेंटिव, इंसेंटिव भी की भी टाइप्स हैं। एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का इंसेंटिव होता है जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, यानी अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं उनको दिया जाता है, तो उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे दिया जा रहा है। इंडिविजुअल इंसेंटिव दिए जाते हैं, यानी कि इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं जिन्होंने अच्छा काम किया होता है। अब है लेक्चर नंबर 18, जो आठवां लेक्चर है इस वीडियो का।
इंडिविजुअल इंसेंटिव्स। तो इंडिविजुअल इंसेंटिव्स जो पे किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, वो जॉब की अच्छी परफॉर्मेंस पे भी पे किया जा सकता है और ट्रेनिंग के दौरान भी अच्छी परफॉर्मेंस पर इंसेंटिव्स पे किए जा सकता है एम्प्लॉयज़ को। और कलेक्टिव इंसेंटिव्स यानी कई सारे एम्प्लॉयज़ को जो एक साथ इंसेंटिव दिया जाता है, उसमें पूरे डिपार्टमेंट को भी इंसेंटिव दिया जाता है, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट या आईटी डिपार्टमेंट को इंसेंटिव दे दिया गया। और इसके अलावा पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी इंसेंटिव दिया जा सकता है, यानी कि जैसे प्रॉफिट शेयरिंग, अब कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट अच्छा कमाया तो उसका एक हिस्सा वो अपने एम्प्लॉयज से भी शेयर करेगी। इसके अलावा बेनिफिट्स अदर देन सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज और वेजेस के अलावा भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं। नाउ द कंपनसेशन, अब कंपनसेशन के अंदर सैलरी और वेजेस है। तो सैलरी क्या होती है? सैलरी का मतलब होता है पे करना लॉन्गर पीरियड के लिए, लॉन्ग जिसको हम तनख्वाह भी कहते हैं। तो तनख्वाह जो है ज़्यादातर पे हमारे यहाँ तो मंथली ही मिलती है, इसके अलावा ईयरली भी हो सकती है, सालाना भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है ये। और वेजेस जो होती है जिसको हम उजरतें कहते हैं, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, ये फॉर अ डे, एक दिन के लिए भी हो सकती है, एक घंटे की भी हो सकती है, यानी घंटे के हिसाब से भी हो सकती है, कितने घंटे काम करोगे तो उतना मिलेगा। और बेसिस ऑफ यूनिट कंप्लीट, यानी कि जितने पीस बनाए, जितने यूनिट्स बनाए किसी भी चीज़ के, फॉर एग्जाम्पल एक लेबर ने 100 पीस बनाए साबुन के और एक ने बनाए 200, तो इस हिसाब से उनके पीसेस के हिसाब से उनको पे किया जाएगा। अब जो 200 बनाएगा उसको डबल और जो 100 बनाएगा उसको उसका आधा। नाउ द अदर वेज ऑफ कंपनसेशन, अब दूसरे तरीके भी हैं कंपनसेशन के, वो क्या है? फ्री और चीपर फूड। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन फ्री में जो है वो लंच वगैरह प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज को, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में सस्ता खाना मिल जाता है। इसके अलावा रिटायरमेंट प्लान्स भी हैं, पेंशंस प्रोवाइड करना, और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी होती है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ भी होती है, उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट होती है, एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम नहीं होती ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस वगैरह की या फिर जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं। उसके अलावा असिस्टेंट फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज़ के बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनकी एजुकेशन का भी एक्सपेंसेस वो उठाती है। नाउ द इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अब ये कॉन्सेप्ट पहले भी आ चुका है, इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज़ के दरमियान किसी भी किस्म का फ़र्क ना किया जाए जब जॉब ऑफर की जाए उनको, जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर की जाए किसी भी किस्म का, सबको बराबरी दी जाए। अब वो बुनियाद कौन कौन सी होती है जिस पर फ़र्क किया जा सकता है, तो इन चीज़ों से अवॉइड किया जाए। तो किसी भी जेंडर की बेस पे फ़र्क ना किया जाए, ये ना हो कि मेल को प्रेफरेंस दी जाए या फीमेल को प्रेफरेंस दी जाए, जेंडर प्रेफरेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नेशनैलिटी की बेस पे कोई भी प्रेफरेंस ना हो, ये ना हो कि मेरे मुल्क की इसके पास नेशनैलिटी जिस मुल्क का मैं हूँ तो उसी बुनियाद पर उसको रख लिया जाए। अब हमारे कंट्री में तो ज़्यादा तौर पे अपने ही मुल्क के वर्कर्स जो है वर्क करते हैं, लेकिन बाहर जो है यूएस में या यूके वगैरह में, तो वहाँ डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग जब वर्क करते हैं तो वहाँ ख़ास तौर पे स्पेशली ये चीज़ होती है कि वो जो है वहाँ पे इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, तो वहाँ वो ये नहीं देखते कि इसके पास हमारे कंट्री की नेशनैलिटी है या नहीं, तो वो नेशनैलिटी को नहीं देखते बल्कि वो काबिलियत देखते हैं। इसी तरह से रिलीजन भी आ जाता है, ये नहीं हो कि इसका रिलीजन वो ये जो मेरा है तो मैं इसको प्रेफर करूँगा, या किसी भी ख़ास रिलीजन को जो है वो के लोगों को जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी दी जा रही, तो इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और एरिया से भी फ़र्क पड़ता है कि ये शख्स मेरे एरिया का है तो इसको मैं प्रेफर करूँ, इस किस्म की चीज़ नहीं होनी चाहिए। लाइफ स्टाइल से भी फ़र्क पड़ता है कि लाइफ स्टाइल उसका कैसा है, और रेस, ये ना हो कि वाइट है कोई तो उसको प्रेफर किया जा रहा है, कोई ब्लैक है तो उसको प्रेफर नहीं किया जा रहा, जितनी भी रेसेस हैं तब सब तमाम रेसेस के लोगों को इक्वली तौर पर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए जॉब के लिए। और इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ में ये लॉ और एथिक्स के भी अगेंस्ट है, हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा इसके ऊपर कोई वो नहीं है स्ट्रिक्टनेस, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में इसके अगेंस्ट लॉज भी बन चुके हैं, और एथिक्स का तो ख़राब है ही है, अखलाकियात के तौर पर तो ये हर जगह ही ख़िलाफ़ है ये चीज़ कि किसी को भी फर्क किया जाए। नाउ एंड सम पीपल आर परसीव्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉन स्टीरियोटाइपिंग। अब एक कॉन्सेप्ट आया आपके सामने स्टीरियोटाइपिंग का, जिसका मतलब ये कि कुछ लोगों को परसीव किया जाता है कि वो एक खास जॉब के लिए फिट हैं। परसीव से मुराद ये कि ख्याल किया जाता है कि ये एक खास जॉब के लिए फिट है, तो उसको स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। सो मैनेजर को इवेल्यूएट नहीं करनी चाहिए परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर की बुनियाद पर कभी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट नहीं करें ना, वो ये देखेगी मेल या फीमेल, बल्कि ये देखेगा परफॉर्मेंस किसने अच्छी की है।
और परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए वो स्कोर भी दे सकता है परफॉर्मेंस को, तो स्कोर देखें स्कोर के हिसाब से किसने ज़्यादा स्कोर किया है। इसके अलावा नेशनलिटी की बेस पे भी परफॉर्मेंस को कभी मेजर ना किया जाए, ना किसी की रेस की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, ना किसी की रिलीजन की बुनियाद पर परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए। तो इसको हम कहेंगे इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सो व्हाई डू वी नीड इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब हमारे यहाँ तो नॉर्मली इस चीज़ को इतना फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन क्यों? तो जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐसी कोई बेस नहीं है, जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक यही है कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, किसी भी किस्म के डिस्क्रिमिनेशन की कोई बुनियाद नहीं है जॉब डिस्क्रिमिनेशन में। और अगर लॉ रिक्वायर करता है तो फिर तो लाजमी लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, अगर लॉ में ये चीज़ आ गई, कानून में आ गई, तो फिर तो लाजमी फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा एथिक्स है, अब हमारे यहाँ तो इतनी इन चीज़ों पर स्ट्रिक्टनेस नहीं है, लेकिन एथिकल भी है ये चीज़। अगर हम एथिक्स के हिसाब से सोचते हैं, अखलाकियात के हिसाब से सोचते हैं, तो ये गैर अखलाकी चीज़ होगी कि अगर हम फ़र्क करें लोगों में किसी की जेंडर की बेस पे, रेस की बेस पे, या फिर रिलीजन की बेस पे। और रिसर्च से ये बात भी सामने आई है कि जहाँ पे वैरायटी होती है लोगों की, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म करती है, और इसी फिनोमेना को हम वर्कफोर्स डाइवर्सिटी कहते हैं। अब हमारे कंट्री में ज़्यादा तौर पे एक जैसे लोगों को ही एक ऑफिस में रखा जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने में आता है। अपनी कौम के लोगों को रख रहे होते हैं लोग, अपने रिलीजन के लोगों को रख रहे होते हैं, अपने इलाके के लोगों को रख रहे होते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस हद तक जो है वो फेल हो जाती हैं, बिजनेस फेल हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी उनमें नहीं होती। लेकिन अब जिन कंट्रीज़ में दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन कंट्रीज़ में और उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम देखें, तो वहाँ पर डाइवर्स किस्म की वर्कफोर्स है। इवन कि अगर पाकिस्तानी भी कोई वहाँ जाके काम करता है और वो अच्छा परफॉर्म करता है, तो पाकिस्तानी को भी वो प्रमोशन देते रहते हैं, और कई सारे पाकिस्तानी भी बाहर जाके इसी वजह से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है इस वजह से। वरना अगर वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो, तो कोई पाकिस्तानी वहाँ जाके काम नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही इतनी ज़्यादा बिजनेस फेल होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं हो पाती। तो मैनेजर को एनकरेज करना चाहिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, यानी मुख्तलिफ तरह के लोग जो है, डिफरेंट जेंडर के, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट रेस के, डिफरेंट एरिया से बिलोंग करने वाले लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो सके। नाउ द कलेक्टिव अफेयर्स ऑफ एम्प्लॉयज़, अब जो कलेक्टिव अफेयर्स होते हैं एम्प्लॉय के, तो एम्प्लॉय जो है वो लेबर यूनियन बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो उनके लिए काम करती है, और एक से ज़्यादा भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है किसी कंपनी में। और एक शख्स होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, जिसको इलेक्ट किया जाता है, वर्कर जो है वो इलेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पूरा लीगल प्रोसीजर होता है, जैसे इलेक्शन होता है वगैरह, पूरा उसी तरह से। और फिर नेगोशिएशन की जाती है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयज़ के बारे में। अब जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट को इलेक्ट किया गया और जो लेबर यूनियन बनाई गई, तो उन सबको बनाने का मकसद ये होता है कि नेगोशिएशन की जाए। और जो नेगोशिएशन की जाए एम्प्लॉयर से, अब वो किन चीज़ों के बारे में की जाती है? सैलरी के बारे में। सैलरी अगर बहुत कम दी जा रही है, तो सैलरी बढ़ाने के लिए नेगोशिएशन की जाती है। वर्किंग कंडीशन अगर ख़राब है, उसके बारे में नेगोशिएशन की जाती है। टाइमिंग अगर बहुत ज़्यादा है, या फिर ओवर टाइम के ऊपर पे नहीं मिल रहा, तो उसके ऊपर नेगोशिएशन की जाएगी। फैसिलिटीज़ अगर नहीं मिल रही, उसके बारे में, बेनिफिट्स के बारे में भी, और एटीट्यूड के बारे में भी। एम्प्लॉयर का एटीट्यूड अगर ख़राब है, तो उसके बारे में भी। नाउ द मोटिवेशन, अब मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन जो है वो फोर्स है, एक कुव्वत है जो फोर्स करती है लोगों को एक टास्क की तरफ। कोई भी एक टास्क मिला है, तो उसकी तरफ फोर्स कर रही होती है लोगों को कि वो टास्क करें, कंप्लीट करें। सो मोटिवेशन की कई सारी थ्योरीज, जो क्लासिकल थ्योरी मोटिवेशन की, और जो हमारे यहाँ लोग कॉमनली एक बात कहते हैं कि लोग जो है वो मोटिवेट होते हैं सिर्फ पैसे की वजह से, या फिर किसी भी एक मटेरियल ऑब्जेक्ट की वजह से। तो ये एक क्लासिकल किस्म की थ्योरी है, जो हमारे यहाँ अक्सर लोगों की भी सोच होती है कि पैसा देकर हर काम करवा लेंगे, तो वो एक क्लासिकल किस्म की एक सोच है। बाकी और भी कई सारी सोच आई, थ्योरीज आई है मोटिवेशन की, जिसमें फ्रेडरिक टेलर ने दी साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी। अब इसके मुताबिक जो है वो ये था कि हर जॉब को साइंटिफिकली तौर पे स्टडी किया जाए, और जॉब जो है डिवाइड होनी चाहिए उसको, यानी तोड़ दें जॉब को, जो काम है उसको हम तोड़ दें ऑन द बेसिस ऑफ टास्क की बेसिस के ऊपर भी, और जो स्किल है लेबर का, जो हुनर है, उसकी बुनियाद पर भी। और पे जो है वो अटैच होना चाहिए प्रोडक्टिविटी के साथ, यानी जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उतना ज़्यादा पे। अगर किसी ने 100 पीस बनाए हैं और किसी ने 200 पीस बनाए, तो 200 पीस वाले का जो पे होगा वो डबल हो जाएगा 100 पीस बनाने वाले के मुकाबले में। तो ये था फ्रेडरिक टेलर की थ्योरी के मुताबिक। अब टाइम्स एंड मोशन स्टडी, अब एक और थ्योरी आई, और इसके मुताबिक क्या था कि टाइम जो स्पेंड हो रहा है
जॉब्स पे यानी काम करने के ऊपर, उसको साइंटिफिकली जो साइंटिफिक डिवाइसेस हैं उनको यूज करते हुए मेजर करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, सॉरी स्टडी करना चाहिए, और इसके अलावा मोशंस ऑफ मशीन और मोशंस ऑफ ह्यूमन या फिर मोशन ऑफ ह्यूमंस को भी यूज करना चाहिए स्टडी करते हुए जॉब्स को। सो ऑब्जेक्शन भी उठाया गया इस थ्योरी के ऊपर, जारी बात है साइंटिफिक किस्म की थ्योरी थी, तो अब इस थ्योरी ने इंसानों को मशीन समझा, फ्रेडरिक टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी थी, क्योंकि ये साइंटिफिक किस्म की थ्योरी थी तो इस वजह से इसने इंसानों को मशीन की तरह समझा। इसके अलावा एक हॉटन थ्योरी आई, इसका जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, लाइट बढ़ने और कम होने से क्या प्रोडक्टिविटी के ऊपर फर्क पड़ता है, ये इसका बेसिक पर्पस था। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है ह्यूमन रिलेशंस में, इंसानों के जो ताल्लुकात हैं उस पर डिपेंड करती है प्रोडक्टिविटी। और इसका जो शॉर्ट कमिंग थी, इस थ्योरी की जो खामी थी वो ये थी कि इस थ्योरी ने इग्नोर किया ह्यूमन मूड को, इंसानों का जो मूड है, इंसानों का बिहेवियर है, इंसानों की लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है और इंटरेस्ट, इन तमाम चीज़ों को इस थ्योरी ने इग्नोर किया। और हॉटन थ्योरी जो थी स्टडीज जो एक बुनियाद बन गई बिहेवियरल स्टडीज के ऑर्गेनाइजेशन में। अब है लेक्चर नंबर 19 जो कि इस वीडियो का 9th लेक्चर है। सबसे पहले इसमें मैग्रेगर थ्योरी एक्स। अब मैग्रेगर ने दो तरह के मैनेजर की थ्योरी दी, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। जो थ्योरी एक्स थी वो एक नेगेटिव सोच वाला मैनेजर है और थ्योरी वाई जो है वो एक पॉजिटिव सोच वाला मैनेजर है। तो थ्योरी एक्स के मुताबिक हर जो नॉर्मल इंसान है वो वर्क को डिसलाइक करता है बाय नेचर, यानी कि पसंद नहीं करता काम करने को, ये एक सोच है मैनेजर की। जो थ्योरी एक्स का मैनेजर होता है वो यही सोचता है कि लोग काम पसंद नहीं करते, तो लोग काम सिर्फ इस वजह से करते हैं कि उन पर कुछ प्रेशर होता है, और वो प्रेशर क्या है, वो सैलरी है। जाहिर बात है काम नहीं करेंगे तो सैलरी कट जाएगी, तो सैलरी भी एक तरह का प्रेशर है, एडवांसमेंट एक प्रेशर है कि आगे बढ़ना, और रिस्पेक्ट भी एक प्रेशर है, और इसके अलावा कोई और दूसरी फोर्सेस भी हैं। और दूसरी थ्योरी है थ्योरी वाई की। अब थ्योरी वाई के मुताबिक पीपल इनहेरेंटली लाइक टू वर्क, यानी लोग काम करना चाहते हैं। अब ये थ्योरी वाई है जो कि एक पॉजिटिव किस्म की सोच बताती है मैनेजर की। तो एक्स टाइप मैनेजर जो है जो होते हैं, एक्स किस्म के मैनेजर जो होते हैं एक्स टाइप के, वो यूज़ करते हैं क्या करते हैं, पनिशमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि लोग काम नहीं करना चाहते, उनकी ये सोच होती है एक्चुअली, तो वो पनिशमेंट करते हैं, सजाएं देते हैं और लोगों को थ्रेट भी देते हैं किसी भी तरीके से कि ताकि लोग काम करें, धमका भी सकते हैं वो लोगों को, मुख्तलिफ तरीके उनके अपने होते हैं। और इसके अलावा कंट्रोल करते हैं वो एक्टिविटीज़ जो है वर्क की बहुत क्लोजली तौर पर। जबकि वाई टाइप जो मैनेजर होते हैं वो कभी भी एम्प्लॉयज़ को पनिशमेंट या थ्रेट देने के बजाय वो ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये देखते हैं कि आखिर कौन से ऐसे बैरियर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से वर्कर को प्रॉब्लम हो रही है, और वो उन बैरियर्स को जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो वो वर्कर्स के को काम करने में अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो ये नहीं करेंगे कि वर्कर्स को पनिशमेंट करना शुरू कर देंगे या थ्रेट देंगे कि तुमने ये काम नहीं किया तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, बल्कि इसके बजाय वो बैरियर्स को देखते हैं कि आखिर क्या इश्यूज़ हैं, किन वजूहत की वजह से वर्कर काम नहीं कर पा रहा है सही तरह। तो कुछ सिचुएशन में तो मैनेजर को एक्स टाइप किस्म का बिहेवियर अडॉप्ट करना चाहिए। अगर वर्कर ऐसा है जो बिल्कुल काम करना नहीं चाहता, हमारे यहाँ कई सारे ऐसे वर्कर होते हैं बिल्कुल भी काम से जान छुड़ाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन होती है जहाँ पे वाई टाइप बिहेवियर मैनेजर को अपनाना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है कई सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको सिर्फ थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो कल्चरली तौर पे सोसाइटीज में हो क्या रहा है कि मैनेजर ज्यादा तौर पर वाई टाइप बिहेवियर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव सोच की तरफ मूव कर रहे हैं एक्स टाइप बिहेवियर को छोड़ के। और हमारे यहाँ ज्यादा तौर पे तो वैसे एक्स टाइप किस्म के ही मैनेजर हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ भी वाई टाइप मैनेजर्स आना शुरू हो चुके हैं। सो वाई डू पीपल वर्क। अब लोग काम क्यों करते हैं, नीड की वजह से काम करते हैं, जरूरत होती है, यानी स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन, जब किसी चीज़ की कमी होती है तो तभी जरूरत होती है। अब नीड की भी कई सारी थ्योरीज है, जिसमें से मेस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दी, अब्राहम मेस्लो ने, और इसमें सबसे पहली जो नीड थी वो फिजियोलॉजिकल नीड थी। अगर ये पूरी हो जाए इंसान की तो फिर इंसान को जरूरत पड़ती है सिक्योरिटी की, अगर सिक्योरिटी पूरी हो जाए तो सोशल नीड की जरूरत पड़ती है, और अगर सोशल नीड पूरी हो जाए तो एस्टीम की, और एस्टीम भी अगर पूरी हो जाए तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की। अब एक एक करके देखते हैं सबको। सो पहली जो नीड है बायोलॉजिकल नीड, जिसको फिजियोलॉजिकल नीड भी कहा जाता है, इस नीड के मुताबिक ये जो नीड है ये है वो तमाम इसमें ज़रूरियात आ जाती हैं जो ह्यूमन बॉडी सर्वाइवल के लिए हैं, यानी कि जो इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात हैं वो तमाम इसमें आ जाती हैं, जैसे कि फूड है, खाना है, ड्रिंक है, पानी वगैरह, और एयर है, हवा है, और सारी बात है स्लीप। तो जितनी भी इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात हैं वो इसमें आ जाती हैं। तो ये सबसे बुनियादी ज़रूरत हो गई, पहली ज़रूरत जो अब्राहम मेस्लो ने बताई। अब अगर ये नीड पूरी हो जाती तो इसके बाद इंसान को जिस नीड की ज़रूरत पड़ती है वो होती सेफ्टी नीड की,
या सिक्योरिटी जिसे हम कह लें, सेफ्टी होनी चाहिए, किसकी कोल्ड से सेफ्टी हो, सर्दी से बचे, अगर सर्दी है ज़्यादा सर्दी से इंसान अपने आप को बचाए, गर्मी अगर कहीं बहुत ज़्यादा है तो वहाँ उस गर्मी से अपने आप को बचाए, सैंड से अपने आप को बचाए, मिट्टी वगैरह से, स्टॉर्म अगर आ गया है कहीं पर तो स्टॉर्म से अपने आप को बचाए, अर्थक्वेक अगर आ जाता है उससे अपने आप को इंसान बचाए, एनिमल्स से भी अपने आप को बचाए, कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और एनिमीज से, दुश्मनों से भी सेफ्टी जारी बात है इंसान की एक ज़रूरत है। इसके अलावा सोशल नीड्स होती हैं, तो इंसान जो है जारी बात है अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, उसको किसी ना किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड, और जारी बात है कई सारे लोग होते हैं, एक गैदरिंग की भी उसको ज़रूरत पड़ती है, तो वो सोशल नीड में आ जाती है। इसके अलावा सेल्फ स्टीम नीड, अब सेल्फ स्टीम नीड क्या है, वर्थ, जो एक शख्स की वर्थ है जो उसको अहमियत दी जाती है, वो सेल्फ स्टीम नीड में आ जाती है। और जिन लोगों की हाई सेल्फ स्टीम होती है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जिन लोगों को ये होता है जहन में कि हमें अहमियत दी जा रही है तो वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, नस्बत की जाहिर बात है एक शख्स अगर ये सोचता है मुझे कोई अहमियत नहीं दी जा रही तो वो शख्स अच्छा काम नहीं करेगा। उसके बाद पर जब ये तमाम नीड पूरी हो जाती है तो आखिरी जो नीड है अब्राहम मास्लो के मुताबिक वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, यानी कि फुलेस्ट तौर पर यूटिलाइजेशन करना वंस पोटेंशियल, जो पोटेंशियल एक शख्स का वो उसकी पूरी तरह से यूटिलाइज करता है उसको। नाउ द हायरार्की ऑफ मोटिव, हायरार्की यूज ऑफ हायरार्की इन मोटिवेशन, अब किस तरीके से जो अब्राहम मास्लो ने हायरार्की दी है इसको मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयज को किस तरीके से इसको यूज़ किया जाए, इसका यूज़ प्रैक्टिकली कैसे किया जाए, तो बायोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो जिस्मानी ज़रूरियात है उसके लिए सैलरीज दी जाए, जारी बात है सैलरीज अगर इंसान को मिलेगी तो इंसान अपनी जो भी ज़रूरियात है, खाना है पीना है, वो अपनी पूरी करेगा। इसके अलावा सस्ता या मुफ्त में खाना दिया जाए, ये भी है, कई ऑर्गेनाइजेशन फ्री में लंच वगैरह भी कराती हैं और सस्ता खाना भी मिल जाता है वहाँ से, ये भी होता है, और जितने भी रूटीन के आइटम हैं उनको कंसेशनल प्राइस पे प्रोवाइड किया जाए। और सेफ्टी नीड्स आ जाती हैं फिर, तो सेफ्टी नीड प्रोवाइड करने के लिए जारी बात है अगर एम्प्लॉय कहीं पे काम करता है तो उसको जिन जिन चीज़ों की सेफ्टी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो उसको प्रोवाइड किया जाए, जैसे हेलमेट की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको हेलमेट प्रोवाइड किया जाए, कोई लेबर काम कर रहे हैं, मजदूर जो काम कर रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में खासतौर से, तो वहाँ उनको हेलमेट वगैरह प्रोवाइड किया जाए। ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है अक्सर, कई सारे ऐसे वर्क्स होते हैं केमिकल वगैरह के या वेल्डिंग वगैरह टाइप के, इस किस्म के जो वर्क्स होते हैं वहाँ पे ग्लासेस उनको प्रोवाइड किए जाएं, ग्लव्स प्रोवाइड किए जाएं, इलेक्ट्रिसिटी का अगर कोई काम कर रहा है तो वहाँ उसको ग्लव्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएं। सो ऑर्गेनाइजेशन को सेफ्टी डिवाइसेस प्रोवाइड करनी चाहिए एम्प्लॉइज को, तो इसमें और भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे स्पेशल पर्पज शू, कई ऐसे काम होते हैं उनके लिए कुछ खास तरह के शूज़ की ज़रूरत होती है, जूतों की, वो प्रोवाइड किए जाएँ, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएँ, जाहिर बात है अगर एम्प्लॉई ऐसा हो सकता है कि बीमार हो जाए तो उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, हाउस प्रोवाइड किया जाए, घर, कई ऑर्गेनाइजेशन घर भी प्रोवाइड करती है, हाउस का रेंट भी प्रोवाइड कर सकती है अगर ऑर्गेनाइजेशन घर नहीं दे रही रहने के लिए, तो पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी प्रोवाइड कर सकती है ट्रांसपोर्ट के लिए, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर सकती है, पेंशन प्लान भी, और प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एक्सीडेंट, यानी इस तरीके से कुछ ऑर्गेनाइजेशन काम करवाए कि एक्सीडेंट हो ही ना पाए, एक्सीडेंट होने से पहले ही रुक जाए, यानी इतनी सेफ्टी का ख्याल है। नाउ डू फिर सोशल नीड्स, अब सोशल नीड को ऑर्गेनाइजेशन किस तरह यूज़ करेगी मोटिवेट करने के लिए लोगों को, तो ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज करेगी इनफॉर्मल किस्म के ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़, अब एक तो फॉर्मल एक्टिविटीज़ है जो काम के लिए ज़रूरी पड़ती है, लेकिन कुछ इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज करे, उनका इनकार कराया जाए, उनको ऑर्गेनाइज कराया जाए, ताकि उससे फिर क्या होगा एम्प्लॉय जो है वो सोशली तौर पे उसकी नीड पूरी हो, जैसे कंबाइंड लंच डिनर, कई सारे एम्प्लॉयज़ का मिलके आपस में वो डिनर करें तो उनको सोशल नीड मिलेगी। अब कई सारे एम्प्लॉयज़ जब आपस में काम करते हैं तो उनकी दोस्ती भी हो जाती है, काफ़ी अच्छी जान पहचान हो जाती है, तो मिलके वो डिनर करते हैं तो काफ़ी वो इन्जॉय कर रहे होते हैं आपस में एक साथ। इसके अलावा स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स करवाए जाएँ, मैचेस भी करवाए जा सकते हैं, किसी भी और तरह के स्पोर्ट्स करवाए जाएँ, कॉम्पिटिशन स्पोर्ट्स के करवाए जाएँ, और फन फेयर हो, और म्यूजिकल प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइजेशन करवा सकती है। अब है लेक्चर नंबर 20 जो कि 10वां लेक्चर है इस वीडियो का, तो इसमें हायरार्की ऑफ यूज़ ऑफ हायरार्की इन मोटिवेशन जो कंटिन्यू है, इसके दो हिस्से रह गए थे पिछले वाले लेसन के हिस्से में। तो सेल्फ स्टीम, अब जो सेल्फ स्टीम है यानी वर्थ है ह्यूमन बीइंग की, जो एक अहमियत है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए मोटिवेशन करने के लिए, तो इसमें क्या हो डेजिग्नेशन से फ़र्क पड़ता है, डेजिग्नेशन का यूज़ किया जाए, और स्टेटस से फ़र्क पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और रिकग्निशन कितनी है एक एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये तीनों चीज़ें जो है इनका इस्तेमाल किया जाए एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए।
और सेल्फ स्टीम का हमेशा जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्रोडक्टिविटी से। अब जब एक एम्प्लॉय को ये जहन में होगा कि मेरी एक वर्थ है ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी एक रिकग्निशन है, मेरी एक स्टेटस है मेरा ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो जो है जाहिर बात है मोटिवेट होगा और वो अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छी प्रोडक्टिविटी वो जो है करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो बहुत सी टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं सेल्फ स्टीम का यूज करते हुए एम्प्लॉय की हाई मोटिवेशन के लिए। जैसे टाइटल से फर्क पड़ता है, किसी भी एम्प्लॉय के टाइटल उसको दे दिया जाए, जैसे कोई असिस्टेंट मैनेजर का टाइटल किसी को दे दिया तो सारी बातें उससे वो काफ़ी मोटिवेट हो जाएगा। इसके अलावा रिकग्निशन हो, उसकी अवार्ड्स दिए जाते हैं, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अवार्ड से भी काफ़ी मोटिवेट होता है एम्प्लॉय, उसको पता चलता है कि मेरी एक वर्थ है जब भी मुझे एक अवार्ड दिया जा रहा है। कैश रिवॉर्ड्स भी दिए जा सकते हैं, इंक्रीमेंट भी किया जा सकता है सैलरी में, यानी इजाफा किया जा सकता है। इसके अलावा प्रमोशन दी जा सकती है और रेजिंग स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयज, स्टेटस जो है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। तमाम चीज़ें जो है वो सेल्फ स्टीम के अंदर आ जाती हैं और इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। नाउ दिस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अब इसमें फुलेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाता है वंस पोटेंशियल, और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, हाई चैलेंजेस, अच्छे चैलेंजेस जो है वो बहुत हाई दिए जाएँ और हाई पोजिशन हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो क्रिटिसिज्म हुआ मैस्लो की हायरार्की थ्योरी में, तो क्रिटिसिज्म ये हुआ कि ये पॉसिबल है कि ह्यूमन नीड्स जो है वो डेविएट कर जाए जो ऑर्डर मैस्लो ने दिया है उसके मुताबिक, यानी जिस चीज़ को मैस्लो ने दूसरे नंबर पे दिया है ज़रूरी नहीं है वो दूसरे नंबर पे, वो हो सकता है तीसरे नंबर पे हो, और जो तीसरे नंबर पे चीज़ मैस्लो ने दी वो हो सकता है दूसरे नंबर पे हो जाए। तो ये बात मैस्लो ने कही थी, जो मैस्लो ने कही थी तो उस पर ये क्रिटिसिज्म हुआ था। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन था कि जरूरी नहीं कि नीड्स जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद ख़त्म हो जाए, हो सकता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद भी नीड्स जो है वो बाकी रहे। नाउ द टू फैक्टर थ्योरी और हाइजीन थ्योरी, अब हर्ट्जबर्ग ने ये थ्योरी दी बाय टॉकिंग द फिनोमेना ऑफ ह्यूमन हाइजीन, ह्यूमन हाइजीन के फिनोमेना के बारे में बात करते हुए। सो टू फैक्टर जो वर्क था ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें हाइजीन फैक्टर्स हैं और मोटिवेटर्स हैं। तो हाइजीन फैक्टर्स तो वो हैं जो एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हाइजीन फैक्टर नहीं होंगे तो एम्प्लॉय रुकेगा भी नहीं। और मोटिवेटर्स वो चीज़ें होती हैं जो जिससे हाई प्रोडक्टिविटी हासिल की जाती है वर्कर्स से, जितने ज़्यादा मोटिवेटर्स होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, उतना अच्छा वो परफॉर्म कर सकेगा। अगर हम इस थ्योरी को, हाइजीन थ्योरी को अब्राहम की मैस्लो थ्योरी जो हायरार्की थ्योरी है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो जितने भी हाइजीन फैक्टर्स हैं वो फॉल करते हैं बायोलॉजिकल नीड्स में, जिसको फिजियोलॉजिकल नीड भी कहा जाता है, और सेफ्टी नीड में, और पार्शली तौर पे सोशल नीड्स में। और जब जो मोटिवेटर्स हैं वो तकरीबन सिमिलर हैं, सोशल नीड्स के बराबर हैं वो, सेल्फ स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के बराबर, इन तीनों नीड्स के बराबर। तो दोनों फैक्टर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाजमी तौर पे होना चाहिए ताकि वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में रुके भी रहें और अच्छी प्रोडक्टिविटी उनसे ली जा सके। नाउ द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, अब जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो मोटिवेटेड होते हैं एक्सपेक्टेशन के बारे में, रिवॉर्ड के बारे में, कि जो रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना रिवॉर्ड हो मिलेगा हमें, और ना सिर्फ वो रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं बल्कि जितनी उनको एश्योरेंस है रिवॉर्ड के बारे में कि हम ये काम करेंगे तो हमें ये रिवॉर्ड लाजमी मिलेगा, ये नहीं कि एम्प्लॉयर ने झूठ बोल दिया। तो जितने ज़्यादा उनके अंदर एश्योरेंस होगी वो उतना ज़्यादा मोटिवेट होंगे। नाउ द इक्विटी थ्योरी, अब ये इक्विटी थ्योरी जो है ये बराबरी के बारे में है। बराबरी किस चीज़ में, इनपुट्स और आउटकम, इनपुट वो चीज़ जो एम्प्लॉय के पास है और आउटकम वो जो उसको ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा है। तो इनपुट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, एम्प्लॉयज़ की उसका लेवल ऑफ एजुकेशन, उसका जो लेवल है इंटर है बैचलर है मास्टर है या जो भी है उसका लेवल ऑफ एजुकेशन, उसके अलावा उसका स्किल्स कौन से हैं, उसके हुनर कौन सा है, उसका एक्सपीरियंस उसके पास कितना है, रेपुटेशन उसकी क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, उसने कितना हार्ड वर्क किया और उसके कनेक्शंस क्या क्या है, और आउटकम्स जो एम्प्लॉय की जो उसको ऑर्गेनाइजेशन से मिलनी है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसको सैलरी कितनी मिल रही है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, प्रमोशन उसका हुआ या नहीं हुआ, बेनिफिट्स उसको कितने मिल रहे हैं, सोशल स्टेटस उसका क्या है, रिस्पेक्ट उसकी कितनी है ऑर्गेनाइजेशन में, और अपॉर्चुनिटीज उसके पास कितनी है आगे बढ़ने की ऑर्गेनाइजेशन में। तो इंडिविजुअल क्या कंपेयर क्या करता है, कंपेयर करता है अपना इनपुट आउटकम दूसरे इंडिविजुअल के इनपुट आउटकम्स है। फॉर एग्जाम्पल दो MBA ऑर्गेनाइजेशन में, एक की सैलरी 40,000 है, एक की 50,000 है, तो 40,000 वाला कंपेयर करेगा अपनी सैलरी को 50,000 वाले से कि मैं भी MBA हूँ वो भी MBA है, दोनों की सैलरी में फ़र्क क्यों है
और इसी तरह 50,000 वाला भी कंपेयर करेगा 40,000 वाले से कि फर्क क्यों आ रहा है। तो इक्विटी थ्योरी को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है प्रैक्टिकली। मैनेजर्स को रीजन एक्सप्लेन करना चाहिए कि जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं आउटकम के अंदर एम्प्लॉयज के, ताकि वो उनको मोटिवेट कर सके। अब जो 40,000 जिसको सैलरी मिल रही है तो किस तरीके से वो मोटिवेट होगा, उसको बताया जा सके कि भाई वो अगर फ्रेश ग्रेजुएट है कि वो फ्रेश ग्रेजुएट है, इस वजह से उसकी 40,000 है, और जो 50,000 है जिसकी 50,000 है वो एक्सपीरियंस होल्डर है। तो उसको मैनेजर को एक्सप्लेन करना चाहिए डिफरेंस को, कि वो डिफरेंस जो है वो रीजन को एक्सप्लेन करना चाहिए कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। और लोग जो है अपना रिवार्ड मार्केट के हिसाब से भी कंपेयर करते हैं। अगर किसी एमबीए की सैलरी 30,000 है और मार्केट में अगर 40,000 पे किया जा रहा है, तो लोग उस चीज़ को भी कंपेयर करेंगे और ये देख सोचेंगे कि हमें अंडर रिवार्ड है हम। अब है लेक्चर नंबर 21, जो कि इस वीडियो का 11वां लेक्चर है। तो इसमें सबसे पहले है री इन्फोर्समेंट थ्योरी। तो री इन्फोर्समेंट थ्योरी में क्या होता है, स्ट्रेंथन किया जाता है डिजायर्ड बिहेवियर एट वर्क प्लेस। जो बिहेवियर डिजायर किया जा रहा है कि ऐसा बिहेवियर हो, उसको स्ट्रेंथन किया जाता है और वर्कर को फोर्स किया जाता है कि उस बिहेवियर को अडॉप्ट करें। किस बिहेवियर को, जो डिजायर्ड बिहेवियर है उसको। और दो तरीके से रीइन्फोर्समेंट की जाती है, एक तरफ पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट और एक तरफ नेगेटिव। तो पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट का मतलब होता है इनकरेज करना एक पर्टिकुलर बिहेवियर को, एक खास किस्म के बिहेवियर को इनकरेज करना। इनकरेज करने के लिए क्या होता है कि कोई रिवार्ड दिया जाता है कि ये काम किया तो उसके बदले रिवार्ड दिया, तो वर्कर अब वो चीज़ वो बिहेवियर दोबारा करना चाहेगा। और नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट का मतलब कि डिस्करेज किया जाए किसी भी एक बिहेवियर को, या तो उसको सजा भी दी जा सकती है और भी कुछ किया जा सकता है, वार्निंग भी दी जा सकती है कि अगर ऐसा दोबारा किया तुमने तो कई डिमोशन भी हो सकता है या सैलरी में भी कट हो सकता है। तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट करना। नाउ द ह्यूमन रिलेशंस। अब जो ह्यूमन रिलेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय भी होता है, एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय से भी हो सकता है, और एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर से भी हो सकता है। पर्पस क्या है ह्यूमन रिलेशंस का, कि एक फीलिंग देना, फैमिली की तरह की एक फीलिंग देना। नाउ द जॉब एनरिचमेंट। अब जॉब एनरिचमेंट की जरूरत पड़ती है तब जब लोग जो है वो अंडर परफॉर्मिंग हो। जॉब एनरिचमेंट का मतलब ये होता है कि जो काम कर रहा है वर्कर, उसके अंदर कुछ और मजीद इजाफा कर दिया जाए तो उसको हम कहेंगे। और इससे होता क्या है कि अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉई को, कि वो अप्लाई कर सके अपना टैलेंट, नॉलेज और क्रिएटिविटी परफॉर्मिंग करने के लिए मोर इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादा वो परफॉर्म करें ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ द जॉब रीडिजाइनिंग। अब जॉब रीडिजाइनिंग क्या है, इसका मतलब है रीडिजाइन ऑफ टास्क, एक टास्क को दोबारा से रीडिजाइन करना, दोबारा से बनाना एक तरह से। सो जॉब शेयरिंग में क्या होता है कि लोग जो है आपस में शेयर करते हैं वर्क को। और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इसका मतलब ये कि ऐसा आइडिया जो कि अपोजिट है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के। जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट होती है उसका बिल्कुल उलट है ये। इसमें ये होता है कि डिसीजन और प्लानिंग जो है वो कोलेबोरेशन के साथ होती है सबऑर्डिनेट की। जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट होती है उसमें सबऑर्डिनेट्स को शामिल नहीं किया जाता है डिसीजन और प्लानिंग के अंदर, लेकिन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में सबऑर्डिनेट्स को भी शामिल किया जाता है। लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम भी है, वो है कि लोग समझते नहीं है फिलॉसफी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की, ये भी होता है। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो ये है कि सबऑर्डिनेट जो है वो अपने गोल्स खुद सेट करते हैं, लेकिन कंसल्टेंसी वो टॉप मैनेजमेंट की लेते हैं। टॉप मैनेजमेंट से कंसल्टेंसी लेते हैं और अपने गोल को खुद सेट करते हैं। इस तरीके से मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है। नाउ दिस साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट सॉरी ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान विद द अचीवमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब जब साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट अचीव हो गया तो उससे क्या होगा, वर्कर का जो मोराल है उसका लेवल भी हाई होगा और सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा होगी। नाउ द लीड। अब लीडर कौन है, लीडर वो शख्स होता है, जाहिर बात है कोई ये शख्स ही होगा, ये कोई इंसान ही होता है जो इन्फ्लुएंस करता है लोगों को ताकि वो अचीव कर सके प्री डिफाइंड गोल्स। वो गोल्स जो पहले से डिफाइंड हुए हुए हैं तो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है लीडर। और लीडरशिप से मुराद ये कि वो एबिलिटी जो इन्फ्लुएंस करना दूसरों को। अब किसी में जितनी ज़्यादा ये एबिलिटी है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर लीडरशिप की एबिलिटी मौजूद है। और मैनेजर और लीडर में फ़र्क है। मैनेजर जो है वो ज़्यादा कंसर्न है स्टेटस को, है वो ट्रेडिशनल किस्म की उसकी सोच होती है कि जिस तरह का सिस्टम चल रहा है वो उसी तरह के सिस्टम को लेके चलता है, जबकि लीडर जो होता है वो चेंज एजेंट होता है, वो चेंज लेकर आता है, तब्दीली लेकर आता है। नाउ द पावर्स ऑफ लीडर। अब लीडर के अंदर पास कुछ पावर्स होती हैं, एक तो पोजिशनल पावर होती है और एक पर्सनल पावर। अब पोजिशनल पावर तो वो होती है जो किसी भी पोजिशन के साथ अटैच होती है,
किसी भी तरह की कोई पोजीशन मिली हुई है, किसी को टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन मिली हुई है, तो वो एक तरह की उसके साथ कुछ पावर्स भी जारी बात है अटैच होंगी, कई सारी पावर्स अटैच होंगी, तो वो कहलाई जाती है पोजीशन पावर। और ये पोजीशन पावर ट्रांसफरेबल हो सकती है, अपनी कोई भी पावर जो है वो टॉप मैनेजर या जो लीडर है वो ट्रांसफर कर सकता है दूसरों को। और पावर अटैच विद सम पर्सन, आप किसी एक शख्स के पास कुछ खास पावर है किसी भी बुनियाद पर, किसी नॉलेज की बुनियाद पर या किसी भी स्किल वगैरह की बुनियाद पर, तो वो पर्सनल पावर होती है और ये नॉन ट्रांसफरेबल होती है। ये ऐसी पावर नहीं होती कि किसी को दे दी जा सके, तो ऐसा नहीं हो सकता। नाउ द ऑटोक्रेटिक लीडर, अब टाइप्स ऑफ लीडर हैं, तो इसमें ऑटोक्रेटिक लीडर है पहला। अब ये वो लीडर होते हैं जो खुद से डिसीजन लेते हैं, और इस किस्म की लीडरशिप की तब जरूरत होती है जब टाइम ना हो डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि खुद से लीडर डिसीजन लेगा तो जाहिर बात है उसमें फिर टाइम कम लगता है। तो इस तरह के लीडर्स के पास जो है वो सेंट्रलाइज पावर होता है, पावर पूरा का पूरा इन्हीं के हाथों में होता है, और मैनेजर्स जो है वो टेक्स मोर पावर मैन। अब इस तरह की लीडरशिप स्टाइल तब यूज करते हैं मैनेजर जब वो अपने सबॉर्डिनेट पर ट्रस्ट नहीं करते। सबॉर्डिनेट्स ऐसे नहीं है कि जिन पर ट्रस्ट किया जा सके, एक तरफ तो ये चीज़, और सबॉर्डिनेट के पास एनफ ट्रेनिंग भी ना हो, सबॉर्डिनेट के अंदर इतनी काबिलियत ना हो कि वो भी डिसीजन के अंदर रोल प्ले कर सके। तो और दूसरा है डेमोक्रेटिक लीडर। अभी डेमोक्रेटिक लीडर बिल्कुल उसी तरह से होते हैं जिस तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, तो ये जो है वो शेयर करते हैं आइडियाज, और इसमें जाहिर बात है इस स्टाइल में क्या होता है कि लीडर्स जो है वो एनकरेज करते हैं ज्यादा कम्युनिकेशन, क्योंकि जाहिर बात है सबॉर्डिनेट के साथ कम्युनिकेशन भी इसमें बहुत जरूरी हो जाती है। नाउ द फ्री रेन लीडर्स, अब ये जो है क्या है, इसमें मैनेजर्स डिपेंड करते हैं सबॉर्डिनेट्स के ऊपर और एनकरेज करता है मैनेजर सबॉर्डिनेट्स को कि वो डिसीजन लें खुद से, लें खुद से, क्योंकि फ्री रहने है तो एक तरह से उनको खुद से लेना होता है डिसीजन सबॉर्डिनेट को। और ये अप्रोच तब होती है इस्तेमाल, तब इसको प्रैक्टिस किया जाता है जब स्टाफ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो और लोग सिनर्जिस्टिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। सिनर्जिस्टिक एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक तीन या चार के बराबर है, और इवन दो कि एक और एक 11 भी हो सकते हैं, और लोग जो पूरी तरह से ट्रेन हो तब यूज हो सकता है इस तरह का लीडरशिप स्टाइल। नाउ द डिफरेंसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन लीडरशिप स्टाइल, डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल में डिफरेंट कम्युनिकेशन यूज होती है। ऑटोक्रेसी लीडरशिप जो होती है जिसमें सिर्फ लीडर जो है वो डिसीजन खुद से ले रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो है वो देर विल बी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे जाएगी लेकिन ऊपर नहीं आएगी कम्युनिकेशन, यानी कि नीचे से ऊपर नहीं आएगी, तो वन वे एक किस तरह की कम्युनिकेशन होती है। जबकि डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ कम्युनिकेशन जा रही है, ऊपर से नीचे भी जा रही है और नीचे से ऊपर भी आ रही है। और फ्री रेन में क्या होगा, देयर विल बी मोर कम्युनिकेशन अमंग सबॉर्डिनेट। अब फ्री रेन जो होता है उसके अंदर सबॉर्डिनेट्स आपस में खुद कम्युनिकेशन बहुत करते हैं, और ओकेशनल कम्युनिकेशन भी बहुत होती है सबॉर्डिनेट्स और मैनेजर्स के दरमियान। सो मेथड जो है डिसीजन मेकिंग का डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। नाउ द कंटिंजेंसी अप्रोच ऑफ लीडरशिप, ये कंटिंजेंसी अप्रोच क्या है, हर जॉब की एक अपनी एक यूनिकनेस होती है, हर जॉब दूसरी जॉब से एक अलग उसमें चीज़ें होती हैं। तो विद द चेंज इन टास्क, जब टास्क में चेंज आता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ लीडर्स और लीडरशिप स्टाइल जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। अब है लेक्चर नंबर 22 जो कि आखिरी लेक्चर है इस वीडियो का, तो इसमें मार्केटिंग का टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये मार्केटिंग भी काफ़ी बड़ा एक सब्जेक्ट है, इस पर भी पूरा एक कोर्स हो सकता है आगे चल के आप पढ़ें। तो मार्केटिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं, इसमें तमाम वो एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जो एक्सचेंज को पॉसिबल करती हैं। एक्सचेंज क्या होता है, अब जैसे आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे आप पैसे देते हैं उसके बदले सामान लेते हैं, तो वो एक एक्सचेंज हो रही होती है। तो एक्सचेंज में और भी तरह की एक्सचेंज शामिल होती है, वो तो सामान की एक्सचेंज हुई, इसके अलावा सर्विसेज की एक्सचेंज भी शामिल होती है, आइडियाज़ की भी एक्सचेंज शामिल होती है। फ्रॉम वन ऑर्गे वन पर्सन एक पर्सन करता है एक्सचेंज, या तो एक ऑर्गेनाइजेशन करेगी, एक जगह से होगी एक्सचेंज, दूसरे पर्सन तक होगी, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक होगी या दूसरी जगह तक होगी, तो ये तमाम एक्सचेंज उसमें शामिल होती हैं। तो अब यहाँ पे जो दिया गया है मार्केटिंग की डेफिनेशन, वो कुछ इस तरह से दी गई है कि ये एक ऐसा सिस्टम है बिजनेस एक्टिविटीज़ का जिसको डिज़ाइन किया गया है प्लान करने के लिए, प्लानिंग के लिए, प्राइस करने के लिए, प्राइस रखने के लिए, प्लेस करने के लिए, यानी कि प्रोडक्ट को जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और प्रमोट करने के लिए, किसको, गुड्स को भी, जो भी सामान है वो भी, सर्विसेज की भी और आइडियाज़ की भी, पोटेंशियल कस्टमर तक। पोटेंशियल कस्टमर वो होते हैं जो मुमकिन तौर पर कस्टमर होते हैं, जिन जो कस्टमर बन सकते हैं। अब इसकी कुछ डिटेल आगे आएगी कि पोटेंशियल कस्टमर कौन है। तो पोटेंशियल कस्टमर ये आ चुका है आपके सामने, तो ये पोटेंशियल कस्टमर
कोई एक पर्सन भी हो सकता है, कोई एक बॉडी भी हो सकती है, कोई एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई इदारा भी हो सकता है, या कोई फर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी वगैरह भी हो सकती है। ये वो लोग होते हैं जो जिनके पास जरूरत है किसी चीज की, इनके पास पैसा भी है और पैसा ये खर्च भी करना चाह रहे हैं। तीनों चीजें जिस शख्स में मौजूद होगी या जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में, वो जो है पोटेंशियल कस्टमर है, क्योंकि इनकी भी जरूरत भी है। अब जब जरूरत भी है तो साथ में पैसा भी है, जारी बात है, जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा भी चाहिए होता है, और साथ में फिर विलिंगनेस टू स्पेंड मनी भी हो, यानी कि पैसा मौजूद है लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं पैसा खर्च नहीं कर रहे होते अपनी जरूरत पे। लेकिन जो शख्स पैसा खर्च भी करना चाहते हैं अपनी जरूरत पे, तो वो पोटेंशियल कस्टमर होगा। नाउ दिस सेट, अब सेट क्या होता है? सेट का मतलब ये कि सॉरी सिस्टम, सिस्टम क्या है? सिस्टम का मतलब ये कि वो सेट जिसमें एक्टिविटीज जो है वो ऐसी सेट का एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज का सेट जहाँ पे एक्टिविटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है, डिपेंड भी करती हैं और एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। नाउ दी प्लानिंग फॉर मार्केटिंग, जब प्लानिंग की जाती है मार्केटिंग के लिए, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब सोचने होते हैं कि व्हाट शुड बी मार्केटेड, क्या मार्केटेड होना चाहिए, व्हेन शुड बी मार्केटेड, कब होना चाहिए मार्केटेड, एंड वेयर शुड बी मार्केटेड, और कहाँ होना चाहिए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन करना प्रोडक्ट की, और प्राइसिंग आ जाती है कि क्या प्राइस होंगे प्रोडक्ट के, कितना प्राइस चार्ज किया जाएगा किसी भी प्रोडक्ट का, तो ये भी ये प्राइसिंग के अंदर आ जाता है। एंड दी प्रोमोशन, शुड अ प्रोडक्ट बी प्रोमोटेड और नॉट। अच्छा, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑफर की जाती है सेल के लिए मार्केट के अंदर, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। और तमाम जितनी भी टेंजिबल चीज़ें होती हैं उनको प्रोडक्ट कहा जाता है। टेंजिबल से मुराद वो चीज़ें जिनको टच किया जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है, जैसे कोई चेयर है, फैन है, फोन है, ये तमाम चीज़ें जो है वो टेंजिबल कहलाई जाती हैं। और सर्विसेज जो होती हैं वो इनटेंजिबल होती हैं, जिनको टच नहीं किया जा सकता, जिनको देखा नहीं जा सकता, जैसे कोई बार्बर है, कोई नाई है जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको नहीं देखा जा सकता। इसी तरह से अकाउंटेंसी फर्म जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इसी तरह से एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो ये तमाम चीज़ें इनटेंजिबल आ जाती हैं, इनटेंजिबल इनको कहा जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है मार्केटिंग ऑफ आइडियाज़ होती है, आइडियाज़ की भी मार्केटिंग की जाती है। और मार्केटिंग आइडियाज़ जो है वो उनको अप्लाई किया जा सकता है नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी अप्लाई किया जा सकता है, जैसे उसको कहा जाता है सोसाइटल या सोशल मार्केटिंग भी कहा जाता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे डोनेशंस के लिए जो है वो एड वगैरह चलाए जाते हैं उसके लिए भी हो सकता है, या मैसेज लगाए हुए होते हैं अक्सर बैनर वगैरह डोनेशंस के लिए, वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा ड्राइव्स लोग के मैसेजेस वगैरह लगाए जाते हैं, या फिर कोई ऐड चलाया जाए, और से और प्रेयर्स इनके इबादत करने के लिए, नमाज वगैरह पढ़ने के लिए जो मैसेज वगैरह लगाए जाते हैं वो भी इसी में शामिल होते हैं, क्योंकि ये कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं है, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, तो इनके लिए भी मार्केटिंग आइडियाज़ को यूज़ किया जा सकता है। नाउ द नीड, अब नीड को समझना बहुत जरूरी है, मार्केटर्स का काम ही होता है नीड्स को पूरा करना। तो नीड का मतलब यह है कि स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन, यानी कि कमी होना किसी भी चीज़ की। नीड तभी होती है जब किसी चीज़ की कमी होती है, तो मार्केटर्स जो है वो नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि नीड को पूरा करने करते हैं। किस तरीके से? प्रोडक्ट के थ्रू, जो प्रोडक्ट वो ऑफर कर रहे हैं, सर्विसेज के थ्रू भी पूरा कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी और आइडियाज़ के थ्रू भी। बहुत से लोगों को और आइडियाज़ की भी ज़रूरत होती है, जैसे किसी ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको आइडिया की ज़रूरत है, या कोई प्रोडक्ट लेकर आनी है तो आइडिया की ज़रूरत है, तो डिफरेंट तरह की आइडियाज़ की ज़रूरत होती है लोगों को। तो मार्केटर्स जो है ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं लोगों की नीड को पूरा करने के लिए। असल मार्केटर का मकसद ही लोगों की नीड को प्रोवाइड करना होता है, नीड को वो करना होता है, पूरा करना होता है। तो मार्केट क्या होती है? मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे लोग एक्सचेंज करते हैं गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ वहाँ एक्सचेंज की जाती है। नाउ द स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग, अब आज के दौर की जो मार्केटिंग है यहाँ तक इसको पहुँचने के लिए कई सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ा है। पहले के दौर में जो मार्केटिंग होती थी या जो भी कुछ होता था, खरीदो फरोख्त होती थी, वो इस तरीके से नहीं होती थी जो आज के दौर में होती है। सबसे पहला जो स्टेज था वो था प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज। उसमें क्या होता था कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाने के ऊपर फोकस होता था, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो बन जाएँ, प्रोड्यूस हो जाएँ, तो तमाम एफर्ट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के ऊपर लगाई जाती थी, इसी वजह से इसको प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज कहा जाता है। फिर उसके बाद चेंजेस आई,
प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टेज आ गया, अब जो मैनेजमेंट का फोकस हो गया क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे, अब वो क्वालिटी के बारे में सोचते थे, अब क्वांटिटी के बारे में नहीं। प्रोडक्शन में तो क्वांटिटी के ऊपर फोकस था कि क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे और बेचेंगे, अब फोकस हो गया प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। अक्सर आपने सुना होगा लोगों से कि पहले की चीजें बड़ी अच्छी होती थी, उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती थी, तो वो उसी दौर की थी जब प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टेज था, या वो जिस कंपनी की उन्होंने प्रोडक्ट खरीदी वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही थी, ये भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टेज में सारा फोकस इसी चीज का था कि प्रोडक्ट अच्छी तरह, अच्छी क्वालिटी की किसी भी तरह बन जाए। फिर उसके बाद सेल्स ओरिएंटेड स्टेज आया, अब जो फोकस था वो शिफ्ट हो गया सेल्स के ऊपर, कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो सेल्स के ऊपर एफर्ट्स, जो जितनी भी एफर्ट्स थी वो सेल्स की तरफ हो गई शिफ्ट, कि सेल्स करने के ऊपर जो है वो एफर्ट की जाए। तो सेलर्स ने फील किया नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट दैट कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू सेल्स। फिर उसके बाद जब सेल्स का फोकस हुआ तो उसके बाद फिर मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज आ गया, अब जो है फोकस हो गया इस चीज के ऊपर कि अनसेटिस्फाइड नीड जो है कस्टमर की वो पूरी की जाएंगी। अब इस चीज का ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि अपनी मर्जी से कुछ भी बना के बेचा जाएगा, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब वही चीज बना के बेची जाएगी जो कस्टमर की नीड को पूरी कर सके, और इसी को हम कहते हैं मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज। तो मार्केटिंग का मकसद ही यही है कि कस्टमर की अनसेटिस्फाइड नीड को पूरा किया जाए, वही चीजें बना के बेची जाए जो कस्टमर की नीड को पूरा करें। नाउ द सोसाइटल मार्केटिंग नीड, अब मार्केटिंग के अंदर भी एक और इम्प्रूवमेंट आई और एक और स्टेज आया, तो वो क्या था, उसमें सिर्फ कस्टमर के बारे में ही नहीं सोचा गया बल्कि अब बेनिफिट ऑफ दी सोसाइटी को भी कंसिडर किया गया, कि ना सिर्फ कंपनी जो है वो अपने कस्टमर का ख्याल रखेगी बल्कि ये भी सोचेगी जो वो बिजनेस कर रही है उससे सोसाइटी को भी कोई नुकसान नहीं हो बल्कि सोसाइटी को भी उससे फायदा हो। तो ये आ गया सोसाइटल मार्केटिंग स्टेज। नाउ द वैल्यू, अब ये वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से है। वैल्यू का मतलब क्या है, कॉस्ट और बेनिफिट के दरमियान जो डिफरेंस है किसी भी प्रोडक्ट का उसको वैल्यू कहते हैं, इन दोनों के दरमियान जो भी फर्क है। एक प्रोडक्ट के अंदर बेनिफिट अगर बहुत ज्यादा है और उसकी कॉस्ट बहुत कम है तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। जितने ज्यादा बेनिफिट होंगे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट के मुकाबले में उतनी ज्यादा उस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। नाउ द यूटिलिटी, अब यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी का मतलब ये कि किसी कमोडिटी की एबिलिटी के वो नीड को कितना सेटिस्फाई करती है, जितना ज्यादा एक प्रोडक्ट नीड को पूरा करेगी उतनी ज्यादा उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी होगी। फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी की भी कई तरह की फॉर्म्स हैं। एक तो टाइम यूटिलिटी है कि वक्त पे चीज मिल जाए, कस्टमर की जब डिमांड है, जब कस्टमर की जरूरत है तब उस पे उसको चीज मिल जाए, वक्त पे उसको चीज मिल जाए तो उस टाइम यूटिलिटी होगी। जब वक्त पे कोई चीज मिलेगी तो उसके लिए जारी बात है तो उसकी एक वैल्यू जो है, उसकी जो सेटिस्फेक्शन होगी वो एक ज्यादा होगी। और फॉर्म यूटिलिटी होती है, जब एक चीज की फॉर्म चेंज हो जाती है तो उससे भी उसकी यूटिलिटी में इजाफा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लोहा है, अब लोहे से जब गाड़ी बना दी तो उसकी यूटिलिटी बहुत बढ़ गई, और जाहिर बात है कंपनियां जब लोहे से गाड़ी बनाती है तो उसमें खूब प्रॉफिट भी वो अर्न कर लेती है क्योंकि वो फॉर्म चेंज कर दी उन्होंने इस वजह से। एंड प्लेस यूटिलिटी, अब प्लेस यूटिलिटी किस तरीके से होती है, ट्रांसपोर्टेशन करना प्रोडक्ट की, अब एक प्रोडक्ट एक जगह बन गई और बिक रही दूसरी जगह, जहाँ पे उसकी डिमांड है उस जगह पे बिक रही है, और इसमें जाहिर बात है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी आता है। एक प्रोडक्ट एक मुल्क में बनी और बिक रही है दूसरे मुल्क में, तो जिस मुल्क में बनी हो सकता है इसकी डिमांड दूसरे मुल्क में उससे ज्यादा हो, ये भी हो सकता है, तो उस तरह से प्लेस यूटिलिटी होती है। नाउ द ऑनरशिप यूटिलिटी आखिरी है, यूटिलिटी ऑनरशिप, अब इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट जो है वो ऑन बाय मैन्युफैक्चरर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एंड बाय थ्रू डिफरेंट स्टेप्स, यानी कि मैन्युफैक्चरर जब प्रोडक्ट बनती है तो वो मैन्युफैक्चरर की जारी बातें मिलती होती है, लेकिन वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एंड बायर्स तक डिफरेंट स्टेप्स को यूज करते हुए, तो ऑनरशिप उसमें ट्रांसफर हो रही होती है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के लेक्चर नंबर 11 से लेकर 22 तक करवाए गए। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।